Okay. Hello, everyone. Good evening. Good evening, good evening, good evening. कैसे हैं सब लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। ग्रेट, ठीक है भाई। तो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे, और आज तो शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज के दिन में थर्ड क्लास हमारी है। बट मुझे ऐसा सच कोई इतना अजीब या इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा। आप लोग बताएं, आपका क्या हाल है? लगता है संडे को पूरी तरीके से यूटिलाइज किया है हमने। यस, बहुत अच्छे। और कल मॉर्निंग में आपकी क्लास भी नहीं है। हेलो कप्तान साहब। थ्री होनी चाहिए रोज, अरे ज्यादा हो जाएगा। चलिए, क्या चलिए एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और कल अगर आपको याद हो, लास्ट डिस्कशन जो हमने किया था वो किया था सिमेट्रिक रिलेशन प्रेजेंटेड, और बहुत आराम से बहुत पेशेंस के साथ ये सारे रिलेशन जहां तक मुझे याद है हम डिस्कस कर रहे हैं। जहां पर पहले हमने बड़े तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, रिलेशन क्या है, उसके बाद इन्वर्स की बात की, रिवर्स की बात की, वो सब आइडियाज डिस्कस किए। एंड देन वी हैव अंडरस्टूड रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव पूरी फैमिली कंप्लीट की, और अभी हम बात कर रहे थे सिमेट्रिक की, हर एक के ऊपर यूनियन, इंटरसेक्शन और जितने भी लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, हाउ मेनी डिफरेंट केसेस आर पॉसिबल, सारी पॉसिबिलिटीज हम लोग चेक करते चल रहे हैं साथ साथ। बहुत अच्छे। तो अब बात करता हूँ, देखिए एंटी सिमेट्री की। सिमेट्री का अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो सिमेट्री का तो सिंपल सा कंसेप्ट था कि भाई अगर ए कॉमा बी है तो साथ में बी कॉमा ए भी चाहिए। यही कंसेप्ट सिमेट्री का, इजंट इट? इफ यू हैव ए कॉमा बी देन साथ में बी कॉमा ए चाहिए। अब इसके नाम के आगे एंटी लगा हुआ है तो इतना अंदाजा तो किया जा सकता है। बताओ क्या? इसके नाम के आगे एंटी लगा हुआ है तो इतना अंदाजा तो हम कर सकते हैं कि ये रिवर्स तरीके से काम करेगा, अपोजिट तरीके से काम करेगा, इजंट इट? यस, ठीक है। तो अगेन मुझे क्या बोलना चाहिए, अगर कभी भी ए कॉमा बी, अगर मैं आसान शब्दों में पहले आपको समझाऊं, बिकॉज इसकी डेफिनेशन है ना, यू कभी कभार एक कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं कैसे बोलूंगा, अगर ए कॉमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन से तो बी कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, है ना? तो वेन एवर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी कॉमा ए डू नॉट बिलोंग टू रिलेशन। बट अब यहां पर एक सोचने वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जिसको मेंशन करना जरूरी है वो ये कि एज फार एज डायगनल्स आर कंसर्न, वो देखिए वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इजंट इट? क्योंकि डायगनल की अगर बात करें तो क्या डायगनल खुद अपने ही रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक पेयर होते हैं? ए कॉमा ए का आप सिमेट्री करोगे, ए कॉमा ए का सिमेट्री करोगे तो भी ए कॉमा ही मिलने वाला है, इजंट इट? बहुत अच्छे। तो अब इस बात को मैं ऐसे बोल देता हूं आपसे कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए रिलेशन में होगा कि नहीं होगा? हेलो प्रज्वल, गुड इवनिंग। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए रिलेशन में नहीं होगा, लेकिन हाँ एज फार एज डायगनल एलिमेंट्स आर कंसर्न, क्या वो अलाउड होंगे? डायगनल वो अलाउड है। बस यही एक सोचने वाली बात है कि एंटी सिमेट्री जो है वो डायगनल्स को परमिट करता है, और यही मजा है, यही इसका तरीका है कि किस तरह से हम इस बात को फॉर्मलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ लुक एट दिस। कल ये इफ यू रिमेम्बर क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे थे जहां पे सिमेट्री तो आई थिंक हमने सॉल्व कर लिया। स्लाइड में गलत है ना? अभी मैं स्लाइड की डेफिनेशन पे दोबारा आऊंगा, आई नो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, गलत है या सही है उसको भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन इन द मीन वाइल पहले आप मुझे सारे के सारे रिलेशन यहाँ पे टैबुलेटेड हैं, जस्ट गो थ्रू इट, एक बार ऑब्जर्व करें, मुझे बताएं आउट ऑफ 1 to 7 कौन कौन से रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है। वेरी गुड, हेलो 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 डिवाइस, गुड इवनिंग। आउट ऑफ 1 to 7
विच ऑफ देम आर एंटी सिमेट्रिक. हेलो रोहित, गुड इवनिंग. ओके, आई थिंक ज्यादातर लोग बोल रहे. चलो मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ. फर्स्ट वन, नाउ इफ यू टॉक अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास तो हम जानते हैं कि सारे एलिमेंट हैं. अगर ए बी है तो बी ए भी है ना. और ए बी के लिए अगर बी ए है तो ऑब्वियसली ये एंटी सिमेट्री तो कम से कम नहीं हो सकता, एक बार भी नहीं हो सकता. नाउ व्हाट अबाउट फाई? अब देखिए ये एक सरप्राइज की बात है. फॉर अ सरप्राइज, यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट फाई, यहां पे कोई एलिमेंट ही नहीं है. और अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो सोचने वाली बात है कि कोई मसला, कोई लड़ाई भी नहीं है, है ना. तो अगर ए बी होगा तो हम देखेंगे कि बी ए ना हो वहां पर. अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो फॉर अ सरप्राइज फाइस एंटी सिमेट्री भी हो जाता है. तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा. इज इट पॉसिबल फॉर अ रिलेशन टू बी सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक एट द सेम टाइम? जी हाँ, हो सकता है. अब फाई आप देख रहे हैं, फाई सिमेट्री भी है और फाई एंटी सिमेट्री भी है. बात समझ आ रही है? नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू वी हैव इज अ डायगोनल एलिमेंट 1 1 2 2 3 3. इसको जरा ऑब्जर्व करके बताओ. डायगोनल एलिमेंट 1 1 2 2 3 3, तो सिमेट्री और एंटी सिमेट्री, आई थिंक ये भी एंटी सिमेट्री हो जाता है. बिकॉज अगेन मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ए बी के लिए बी ए नहीं होगा, ये तय है. फॉर ए बी, बी ए इज नॉट अलाउड. लेकिन यहां पर डायगोनल एलिमेंट है, वो अपने ही सिमेट्री होते हैं. तो एंटी सिमेट्री कह रहा है कि मैं ए बी के लिए बी ए अलाउ नहीं करूंगा, बट डायगोनल्स में परमिट कर दूंगा. ए बी के लिए बी ए अलाउ नहीं करूंगा बट डायगोनल एलिमेंट में परमिट करूंगा, तो ये भी हमारा एंटी सिमेट्री होगा. मुझे बताएं एक बार, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? आइडिया क्लियर है सभी को? आगे देखिए ना, 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 3 2 है तो 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है. क्या ये भी एंटी सिमेट्री हो जाता है? जी हाँ, किसी भी पेयर के लिए कोई प्रॉब्लम, कोई गड़बड़ नहीं, दिस इज ऑल्टो एंटी सिमेट्री. नाउ फिफ्थ वन, अगर वैल्यू बाय वैल्यू आप देखेंगे फिफ्थ में, तो अगेन यू विल अंडरस्टैंड 1 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 1 2 के लिए 2 1, इजंट इट? 1 2 अगर आप रखोगे 2 1 भी होगा नहीं, ये अलाउड नहीं है. एक बार भी किसी भी ए बी के लिए क्या बी ए अपन रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? किसी भी ए बी के लिए बी ए हम नहीं रख सकते. सो ये एंटीसिमेट्री नहीं है. नेक्स्ट, 1 1 चलेगा, 2 2 चलेगा, 3 3 चलेगा, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, 2 1 है तो 1 2 नहीं है. आई थिंक दिस इज ऑल्सो एंटीसिमेट्री. और लास्ट वाला फिर गड़बड़ कर दिया, 3 1 और 2 1 के लिए ओके है, 1 3 और 2 1 के लिए ओके, लेकिन 2 3 के लिए 3 2 नजर आ रहा है, तो ये वाला भी एंटीसिमेट्री नहीं होगा. अब दोबारा एक बार सोच लें, ऑब्जर्व करें, इन्वेस्टिगेट करें और मुझे बताएं एंटीसिमेट्री की जो कहानी है, क्या वो आप फॉलो कर पा रहे हैं? एंटीसिमेट्री किस आइडिया पे, किस लॉजिक पे बात कर रहा है? यस और नो? ठीक है, अब देखिए मैं दोबारा आपको पुराने, तो मैं एक बार दोबारा कंक्लूड कर लेता हूं. जो हमें समझ आ रहा है, हमें यही समझ आया ना कि अगर ए बी बिलोंग करेगा तो ए बी के रेस्पेक्ट में बी ए बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? ए बी के रेस्पेक्ट में बी ए बिलोंग नहीं करेगा. लेकिन हाँ, अगर ए कॉमा ए बी कॉमा बी, यानी कि रिफ्लेक्सिव डायगोनल एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट अगर बिलोंग करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? हाँ, डायगोनल बिलोंग कर सकते हैं, उससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. ठीक है, अब जरा एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ो दोबारा से और मुझे बताओ कि आपको क्या समझ आता है. ये डेफिनेशन सही है, गलत है, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कैसे इन्वेस्टिगेट करें? देखिए, कभी कभी होता है ना, एक आइडिया को, एक बात को कहने का तरीका अलग हो सकता है. इस बात को भी मैं समझाता हूँ, मैं इस पॉइंट को आपको समझाता हूँ. देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, आप मुझे बताओगे पैरेलल लाइंस आपने पढ़ी है 8th क्लास में, आई थिंक 8th या 9th क्लास में, पैरेलल लाइंस
तो बता सकते हैं क्या डेफिनेशन होती है व्हेन वी से द टू लाइंस आर पैरेलल? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइन? नेवर इंटरसेक्स. वेरी गुड. मीट्स एट इंफिनिटी. बहुत अच्छा. तो हम बोलते हैं वो लाइन जो इंफिनिटी पे मीट हो, नाउ दैट इज कॉल्ड पैरेलल. अब लॉजिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं मुझे बताओ. क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना है चाह रहे हैं कि वो कभी मीट होगा नहीं, क्योंकि हम बोल रहे हैं मीट होगा इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी कभी आएगा नहीं तो मीट होगा नहीं. लेकिन एक तरह से बोलते हैं ना व्यंगात्मक तरीके से, सरकास्टिक मैनर, दूसरे तरीके से डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं. यस, ठीक उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से यहां पर देखो. अब मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ. बोल रहा है ये तो आप जानते हैं, फॉर एनी एलिमेंट यूनिवर्सल क्वांटिफायर. तो कह रहा है फॉर एनी एलिमेंट ए कॉमा बी विच बिलोंग टू सेट कैपिटल ए, वो कोई भी ए कॉमा बी होंगे जो कैपिटल ए से बिलोंग करेंगे. कह रहा है अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से और बी ए बिलोंग करता है रिलेशन से, इसका मतलब ए और बी बराबर है. ये सही बोल रहा है क्योंकि इसका मतलब वो डायगोनल की बात कर रहा है, इजंट इट? सोचो अब जरा एक बार. ये बोल रहा है अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा ए भी रिलेशन में, दैट इज ओनली पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल्स टू बी. अब मजे की बात है, इसने एक तीर से दो निशाने मार दिए. एक तरफ तो इसने आपको बता दिया कि ए बी के लिए बी ए नहीं हो सकता. सोचो, आप खुद सोचो. एक तरफ तो ये बोल दिया कि ए बी के लिए बी ए नहीं हो सकता, दूसरी तरफ क्या बता रहा है कि अगर ऐसा है इसका मतलब दोनों इक्वल है, डायगोनल भी है. अब ये लिखने वालों की खूबसूरती है, इसी वजह से यहां मैं समरी पे कंक्लूजन पे बाद में आता हूं, पहले प्रैक्टिस कराता हूं. बच्चा पहली बार देख के समझ नहीं पाता कि लिखा क्या है, या लगता है कि गलत लिखा है, बट ऐसा है नहीं, सही लिखा है इसने बिल्कुल. मुझे बताएं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या, बात समझ आ रही है? कैसे थोड़ा सा खेल गया है, ट्विस्ट कर दिया इसने जी. तो कंक्लूजन ऑफ द स्टडी सेम है कि भाई साहब डायगोनल अलाउड है, बट ऑब्वियसली उसके अलावा कोई भी सिमेट्रिक पेयर अलाउड नहीं है. अभी क्लियर है ना सभी को? ठीक है. और मुझे बताएं जो अगला पॉइंट हमने डिस्कस किया, अगर कोई इस तरह से रिलेशन आपके सामने बना हो तो उसको पहचान सकते हैं ना? रिलेशन देख के आप पहचान के बता देंगे कि वो सिमेट्री है कि नहीं, एंटीसिमेट्री है कि नहीं. ठीक है. तो अब जो डिटेल एनालिसिस हम करते हैं उसके बाद, अब आपका स्वागत है. 8 अलग अलग स्टेटमेंट है, जल्दबाजी मत करिएगा एक एक करके, क्योंकि कल कुछ बहुत अच्छे आंसर्स नहीं किए थे हमने. एक एक करके ऑब्जर्व करिए, अगर कुछ होमवर्क करके आए तो बहुत अच्छा, और मुझे बताएं हर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. टेक योर टाइम, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट हर क्वेश्चन को इन्वेस्टिगेट करो और मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा. कोई बात नहीं, एक एक करके आप सारे ऑप्शन ऑब्जर्व करो और फिर मुझे बताओ. ओके. फाइव और सिक्स नहीं समझ आ रहे, कोई बात नहीं. अभी देख लेते हैं. इस बार दोनों ऑप्शन लिखे हैं, देखिए, इसलिए मैंने सबसेट का भी है और सुपरसेट का भी है. चलिए एक एक करके शुरू करूं. फर्स्ट स्टेटमेंट से चालू हो जाते हैं. स्मॉलेस्ट एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, ये तो अभी आई थिंक बाय ऑब्जर्वेशन हमने देख लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए.
सो द स्मॉलेस्ट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इज फाई. क्लियर है? इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं. स्मॉलेस्ट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इज फाई. ओके, नेक्स्ट देखिए. लार्जेस्ट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन विल कंटेन. अब ये बताओ क्या आंसर करूं. तो अगेन यहां पे एक बात समझनी पड़ेगी. ओके, लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड. अगर आप ऑब्जर्व करें तो मुझे बताएं, कोई भी एक एग्जांपल में ले लेता हूं. 1, 2, 3 and 1, 2, 3, बिकॉज बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3 and then 3, 1, 3, 2, 3, 3, समथिंग लाइक दिस. अब जरा इसको देखते हैं वैल्यू बाय वैल्यू और फिर मुझे आप एक बात बताएं. मुझे तो लार्जेस्ट बनाना है ना. ओके, तो एंटी सिमेट्री में क्या डायगोनल अलाउड है? डायगोनल तो मैं रख लूंगा. अच्छा, अब क्योंकि एंटी सिमेट्री है तो एक बात सोचने वाली है, क्या मैं 3, 1 रख सकता हूं? 3, 1 हालांकि ये पेयर मैंने उल्टे बना दिए है ना, ये उल्टा होना चाहिए, बल्कि सही कर लेता हूँ ना. नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, रो के हिसाब से बना रहा हूं. हाँ, तो आप मुझे बताएं, मैं 3, 1 तो रख सकता हूं, बट अगर मैं 3, 1 रखूंगा तो क्या फिर मैं 1, 3 रख पाऊंगा? है ना, तो एक बात है कि दोनों में से कोई एक हो सकता है. उसके बाद मान लीजिए मैं डिसीजन लेता हूं कि मैं सब नीचे वाले एलिमेंट ही ले लेता हूं. मैं 2, 1 रख सकता हूं बट फिर मैं 1, 2 नहीं रखूंगा. मैं 3, 2 रख सकता हूं बट फिर मैं 3, 2 नहीं रखूंगा, 2, 3 नहीं रखूंगा. तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो डेटा स्ट्रक्चर्स में अभी हम पढ़ रहे हैं मॉर्निंग क्लास में, याद है? इस पे तो एक बहुत अच्छी खासी एनालिसिस हमने की थी, यू नो, सारे रो मेजर कॉलम मेजर सारे आइडियाज हमने डिराइव कर लिए थे. तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करूं तो पहली रो में कितना एलिमेंट है? 1. सेकंड रो में कितना एलिमेंट है? 2. और हमारे पास 3 रो है, बट लॉजिकली अगर यू नो एक बड़ा सिस्टम होगा तो यू विल कम टिल एन. 1+2, 1+3 नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. और आंसर क्या होता है? इट इज, what is the sum of n natural number? Very good, n into n plus 1 by 2. We all know the formula. अब हालांकि मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो मैक्सिमम जो लार्जेस्ट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा उसके अंदर इतने एलिमेंट होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि वो सिर्फ लोअर ट्राइंगल में हो. अब हो सकता है एक एलिमेंट नीचे हो, एक एलिमेंट ऊपर हो, या कोई एलिमेंट ऊपर का हो कोई नीचे का हो. ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? तो आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज यू नो स्पेसिफिकली अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बट व्हाट आई नो इज यू कांट बीट दिस नंबर. इससे ऊपर नहीं जा सकते. दिस इज द लार्जेस्ट यू कैन गो. इसके बाद रखोगे तो फिर कोई ना कोई सिमेट्रिक पेयर बन जाएगा और हमारी कंडीशन वायलेट हो जाएगी. क्या ये बात सही है? इससे आगे अपन नहीं जा पाएंगे. सो एन इंटू एन प्लस वन बाय टू लार्जेस्ट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. क्लियर है अभी आइडिया किसी को? तो मैं ऑब्वियसली रिलेशन का नाम यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसलिए बस मैंने बोला है कि भाई साहब जो लार्जेस्ट रिलेशन होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, और वो हमने यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर दिया. यस, अगला आइडिया ऑब्जर्व करिए क्या बोलता है. टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन विल बी, टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे इसके बारे में जानना है. अच्छा, कुछ इन्वेस्टिगेशन किया आप लोगों ने? कुछ ट्राई किया? ओके, तो शुभम यहां पर एक फॉर्मूला लिख रहे हैं. ठीक है, एक एक करके इन्वेस्टिगेट करते हैं. अगेन, एक चीज तो आपने देखी है कि इस पूरी एनालिसिस में हमने डायगोनल और नॉन डायगोनल को जब भी नंबर ऑफ रिलेशंस कंप्यूट करने की कोशिश की है, एक साथ एनालाइज किया है कि अलग अलग? बस पहले ये बताएं. हमेशा हमने डायगोनल को एक तरफ रखा है, नॉन डायगोनल को दूसरी तरफ रखा है और उसके साथ ऑब्जर्व किया है. ओके, नाउ लेट मी गो वन बाय वन. तो सबसे पहले देखिएगा, again if I ask you how many number of elements we can have, n, now using n elements we can generate n square combinations or n square pairs. ye mujhe pata hai, out of them n is diagonal,
एंड एन स्क्वायर माइनस एन इज नॉन डायगनल. यहां मैं पूछूंगा भी नहीं कि इसमें कोई डाउट है कि नहीं, बिकॉज अगर अब यहां पे डाउट आए तो कल की जो एनालिसिस है उस पे डाउट आ जाएगा, इजंट इट. तो मैं रिस्क नहीं ले रहा, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है कि जो फर्स्ट एन है भाई साहब वो डायगनल है और दूसरे दो हैं वो नॉन डायगनल है. अगेन लाइक सिमेट्री, क्या एंटी सिमेट्री भी डायगनल एलिमेंट्स को पूरी लिबर्टी देता है होने या ना होने की, मुझे बताएं. एंटी सिमेट्री भी तो पूरी लिबर्टी देता है ना होने या ना होने की. आप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उससे फर्क नहीं पड़ता. तो अगेन अगर ऐसा है तो यू नो इफ एवरी एलिमेंट हैव टू पॉसिबल चॉइसेस एंड आई हैव एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो ओवरऑल कॉम्बिनेशंस विल बी 2^n. ओवरऑल कॉम्बिनेशंस विल बी 2^n. क्लियर है पॉइंट सभी को? बहुत अच्छे. नाउ अब रही बात नॉन डायगनल की, तो एक बात तो यहां पर क्लियर है जो कल भी शायद आपने ऑब्जर्व की थी. नॉन डायगनल को हम यहां पर इंडिविजुअली स्टडी करते हैं या पेयर बाय पेयर? सिमेट्री में भी हमने सेम ऑब्जर्वेशन किया था, बिकॉज उनका आपस में डिपेंडेंस है ना. तो डायरेक्ट तो मैं नहीं कर सकता, तो इतना तो मुझे बता दीजिए कि अगर इतने मेरे पास एन स्क्वायर माइनस एन नॉन डायगनल है तो पेयर कितने हैं? एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू मेरे पास पेयर है. और कोई भी मैं एक पेयर ले लेता हूं ताकि उसको एक बार अच्छे से एनालिसिस कर सके. तो लेट मी से 2-1 एंड 1-2 एक पॉसिबल पेयर है और इनका आपस में लेना देना है. अब मैं चार कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, 0-0, 0-1, 1-0 एंड 1-1. इज इट 0-0, 0-1, 1-0 एंड 1-1, है ना? अब जरा ये सारे के सारे पॉसिबल पेयर आप ऑब्जर्व करें और मुझे बताएं कि इनमें से कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं है. बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत. ज्यादातर लोग आई थिंक इस बात को फॉलो कर पा रहे हैं कि सर हो सकता है दोनों एब्सेंट हो सकता है 1-2 हो, 2-1 हो 1-2 ना हो, हो सकता है 2-1 हो, क्या बोल रहा हूं मैं, हो सकता है 1-2 हो 2-1 ना हो, बट ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एक साथ हो. नाउ दिस इज नॉट परमिसेबल. नाउ फॉर अ सरप्राइज इस बार इस पेयर के लिए आपको एक चॉइस मिला, दो मिला या तीन चॉइसेस मिले. आज तक ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था, है ना? बट इस बार यू गेट 3 चॉइसेस. एंड हाउ मेनी पेयर्स यू हैव, दैट इज एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू. सो कैन आई राइट 3^2 दिस इफ यू अलाउ मी? बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज 3 चॉइस एंड दैट इज हाउ इट गोज. सो मल्टीप्लाई बाय इट, क्योंकि बेस अलग अलग है तो उसका पोस्टमार्टम करने का मन नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ. 2^n into 2^ चाहे तो n कॉमन ले लीजिए, n into n minus 1/2 number of anti-symmetric relations are possible. That much number of anti-symmetric relations are possible. मुझे बताएं बात समझ आ रही है क्या? Relatable idea है. एक एक बात को वैल्यू बाय वैल्यू मैं ऑब्जर्व आपको करा रहा हूं ताकि कहीं भी रटने की कोई जरूरत ना पड़े. लिख लेते हैं वरना भूल जाएंगे. 2^n into 3^n into, देखो मेरी राइटिंग कितनी सुंदर है, n into n minus 1/2. लुक एट दिस, ब्यूटिफुल. सो दैट मच नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन आर पॉसिबल. ये देखो आराम सच्चाई बोल रहा है, कह रहा है एंटी सुंदर है. इट्स ए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, द राइटिंग इज एंटी सुंदर. ओके नाउ ये शक्ल देखिए इसकी. और ये तो पुराना रिलेशन, अब तो उससे दोस्ती हो गई है. रोज कहता है कि कुछ भी ये पढ़े मुझे ही लेके आते हैं बीच में. सेट है ए कॉमा बी, पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं चार, अगड़म बगड़म. यस ओके. सो अगेन जरा ऑब्जर्व करिए और मुझे बताइए कि इसमें से कौन कौन एंटीसिमेट्रिक है, कौन कौन एंटीसिमेट्रिक है, कैसे ऑब्जर्व करें, या ज्यादातर एंटीसिमेट्रिक होंगे. वेरी गुड. तो प्रज्ञा अगेन इससे अदरवाइज कि यार ए बी और बी ए जो है दोनों वन नहीं होना चाहिए, तो इजंट इट बेटर टू यू नो एनालाइज इट डिफरेंट वे. मैं क्रॉस करते चलूं, जहां जहां वन वन है, जहां जहां
डू यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कर रहा हूँ, जहां पे ए बी और बी ए दोनों एक साथ है भाई साहब, उन दोनों को बाहर करिए। तो मेरे ख्याल से इन सभी में, इन चार को छोड़ के, इफ आई एम डूइंग इट करेक्ट, क्या सबके सब एंटीसिमेट्रिक होंगे? यस और नो? हटा दिया मैंने उनको। तो देयर यू सी, दीज आर द ऑल रिलेशंस व्हिच इज, और जरा फॉर्मूले में वैल्यू रख के देखें भाई, 2 रेज टू पावर n एंड 3 रेज टू पावर n इनटू n माइनस 1 बाय 2। n की वैल्यू है हमारे केस में 2। 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2 इनटू 2 माइनस 1 बाय 2। सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी 1, सो 2 रेज टू पावर 2 इज 4, 2 रेज टू पावर 2 इज 4 एंड 4 इनटू 3 विल बी 12। यस इट इज वर्किंग, आई थिंक 12 ही केस आए हैं, सही काम कर रहा है यार। गन अभी आ नहीं रही, मैं इसे कैसे लाऊं? टाइम बॉम्ब भी नहीं मिल रहा मुझे, सब मेरा असला जो है इधर उधर फैल गया है। ओहो, बताएं चला। बात तो राहुल की सही है कि यूपी में और गन नहीं मिल रहा। चलिए जरा मुझे बताइए, ये वैल्यू फॉलो कर पा रहे हैं क्या? सारे पॉसिबल केस कितने हमने बनाए और कैसे जनरेट किए, दोनों एग्जांपल हमारे पास है। इधर आ जाता हूं दोबारा, और आगे वाले कुछ केस में शायद कंफ्यूजन था, एक एक करके इन्वेस्टिगेट करते चलेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज एंटी सिमेट्रिक इफ R intersection R inverse is a subset of the diagonal relation, और आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। ऑब्जर्व करें और मुझे बताएं आंसर क्या होगा। अच्छा, टैगिंग आई थिंक स्किप हो गई है, कोई बात नहीं, बट वोटिंग से पता लग जाएगा। ओके, तो यहां पर एक बात समझ आ रही है कि ज्यादातर लोगों का मानना है द स्टेटमेंट होल्ड्स गुड, दैट इज 67% ऑफ यू एंड 33 यानी कि पास तो ये वाले भी लोग भी हो गए, इनका कहना कि नहीं गलत है। चलिए एक बात ऑब्जर्व करते हैं, अ रिलेशन ऑन एन एसेट आर इज एंटी सिमेट्रिक इफ। ओके, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है तो क्या वहां पे, अगर मान लीजिए ए बी है तो ए बी के लिए बी ए होगा कि नहीं होगा? अभी ऑब्जर्व कर लेते हैं इस बात को, नहीं होगा, वी नो दैट। अच्छा, अगर मैं बस एक एग्जांपल समझने की कोशिश कर रहा हूं, दो दो एग्जांपल ले लेता हूं, मान लेते हैं एक इसके अंदर ए बी है और एक इसके अंदर ए ए है, क्या ये एंटीसिमेट्रिक है? हाँ, ए ए बर्दाश्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ए बी है और बी ए नहीं है तो चलेगा। अब इसके रेस्पेक्ट में आप जब इसका इनवर्स रिलेशन लिखेंगे तो क्या होगा? इनवर्स लिखेंगे तो क्या होगा? ए बी जो है वो बी ए बन जाएगा, isn't it? और AA as it is रहने वाला है, और दोनों का आप करेंगे इंटरसेक्शन। अब सोचिए, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई चीज कॉमन आ जाए डायगोनल को छोड़ के? ये बता दो बस, अब एक बार, हो ही नहीं सकता। अगर मेरे पास AB है तो BA नहीं होगा, वो दूसरे के पास होगा, मेरे पास BA है तो AB उसके पास होगा, डायगोनल के अलावा कभी कुछ कॉमन नहीं आ सकता। और वही तो वो बोल भी रहा है कि जो भी रिजल्ट आएगा वो सबसेट होगा डायगोनल रिलेशन का, यानी कि ए ए बी बी सी सी ऐसा ही कुछ आ सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो क्या आप ये बात फॉलो कर पा रहे कि स्टेटमेंट ट्रू है? हालांकि अच्छी बात क्या है, देखिए इस तरह के केसेस में जब भी आपको लगे ना कि फॉल्स है, किसी भी केस में बता रहा हूं, इवन फॉल्स है कि नहीं ये इन्वेस्टिगेशन करना आसान काम है कि मुश्किल काम है, फॉल्स है कि नहीं, सी
फॉल्स है कि नहीं, इन्वेस्टिगेट करना इजी है. वो क्या, यू कैन कोट ऑलवेज एन एग्जांपल कि सर देखो मैंने ये आर लिया, ये आर का इन्वर्स लिया और डायगनल में तो ये नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है, इजंट इट. तो सच तो हर, देखिए जैसे मैं पहले भी बोला था लॉजिक के अंदर, कोई स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो एक बार ट्रू होना चाहिए कि हर बार ट्रू होना चाहिए? स्टेटमेंट हर बार ट्रू होना चाहिए, लेकिन फॉल्स प्रूफ करने के लिए तो एक केस चाहिए बस. अगर आप एक बार भी उसको इनवैलिड प्रूफ कर दिए, इसका मतलब इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही, दैट इज इट. लेकिन अगर ए बी एंड ए सी आर का एलिमेंट हो, कोई डायगनल ना हो तो ओके. तो आप मुझे बताएं, आपने बोला कि ए बी और ए सी है, अगर ए बी ए सी है, वैसे हाँ मैं बोलने वाला था रोहन, क्या फाई हो सकता है इंटरसेक्शन? हाँ. और क्या इंटर फाई जो है वो सबसेट है डायगनल का? सोचना भी अपराध है. फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो स्टिल इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा हम थोड़ी बोल रहे कि डायगनल आना मैंडेटरी है, ऐसा नहीं बोल रहे. आ सकता है वो एक अलग बात है. मुझे बताएं बात समझ आ रही है क्या? अच्छा, अब ये भाई क्या कंफ्यूज होना था सबसेट और सुपरसेट में. कह रहा अगर कोई रिलेशन एंटीसिमेट्री है तो उसका सबसेट भी एंटी, मेरे ख्याल से तो बहुत आसान है दोनों ही. अगर कोई रिलेशन एंटीसिमेट्री है तो उसका सबसेट भी एंटीसिमेट्री होगा. पोल कर लें इस पे, छोटा पोल करते हैं. अगर कोई रिलेशन एंटीसिमेट्री है तो क्या उसका सबसेट भी एंटीसिमेट्री होगा? आपको पता है इस क्लास में मैंने अपने एजेंट्स भी बिठाए हुए हैं कुछ. नहीं पता आपको ये बात, तो क्यों फिर आप यू नो इस तरह की उम्मीदें रखते हो? कि पहले आप, आपका मन खुश हो जाता फिर आप उदास होते हो. डोंट डू दिस. सबसेट ऑफ एंटीसिमेट्रिक विल आल्सो बी एंटीसिमेट्रिक, बात सही है. अरे भाई जब पहले से वो एंटीसिमेट्री और आप उसका भी सबसेट करेंगे तो क्या कोई सिमेट्रिक पेयर जनरेट थोड़ी हो जाएगा? कोई जादू थोड़ी हो रहा कि ग्लास में पानी भरो लाइट जल जाए, ऐसा नहीं होता. यस, तो अगर एंटीसिमेट्री है तो सबसेट भी एंटीसिमेट्री होगा, ये बात सच है. अच्छा ये है क्या, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये मैजिक नहीं देखा, सुबह की क्लास में नहीं थे. आप लोग मुझे बर्दाश्त, मुझे लुक एट दिस, नाउ दिस इज अ मैजिक कप. इसको मैंने 8 साल रिसर्च करके बनाया है. मैं जर्मनी से 9 साल का जादू का कोर्स करके आया हूं. आरजे अभिनव का 1 साल सीनियर था मैं वहां पे. चलिए इधर आइए. नेक्स्ट, सुपरसेट की बात करें तो सुपरसेट ऑफ एनी एंटीसिमेट्रिक रिलेशन विल आल्सो बी एंटीसिमेट्रिक. ये मेरे ख्याल से पोल की जरूरत नहीं है. वी नो दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स. बिकॉज अगर मैं सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट लू, मान लीजिए ए बी, और एक तरफ सिंगल एलिमेंट, एक तरफ उसका एक सुपरसेट बना लेता हूं और इसका सिमेट्रिक पेयर भी रख देता हूं, माफ कीजिएगा, ए बी के लिए बी ए रख देता हूं. अब आप मुझे बताएं,
सबसेट ऑफ एंटीसेमिट रिलेशन विल ऑल्सो बी, ये बात तो सही, ये तो स्टेटमेंट ही पूरी नहीं लिखी, आप समझ रहे हो मैं लिखते हुए कितना उत्साहित रहा हूंगा कि पूरा ही नहीं लिखा, बट आप लोग भावनाएं तो समझ गए। सबसेट ऑफ एंटीसेमिट रिलेशन विल ऑल्सो बी एंटीसिमेट्रिक और सुपरसेट विल ऑल्सो बी एंटीसिमेट्रिक है, सो दिस इज फॉल्स, दिट डजेंट होल्ड। ओके नाउ सेवन स्टेटमेंट, टू रिलेशन आर वन एंड आर टू आर एंटीसिमेट्रिक देन देयर डैश नीड टू बी एंटीसिमेट्रिक बट डैश विल बी एंटीसिमेट्रिक, शायद ये यूनियन इंटरसेक्शन की बात करना चाह रहा है। अगर दो रिलेशन, ये तो देखिए बहुत सिंपल विजुअलाइजेशन है, अगर एक रिलेशन सिर्फ ए बी है क्या ये एंटीसिमेट्रिक है, सिर्फ ए बी, हाँ है। एक रिलेशन है बी ए क्या ये भी एंटीसिमेट्रिक है, हाँ है। यस लेकिन जब मैं दोनों का यूनियन करूंगा तो बम फूट जाएगा पक्का, इजेंट इट, ए बी कॉमा बी ए। इसका मतलब इफ टू रिलेशन आर वन आर टू एंटीसिमेट्रिक देन देयर यूनियन, इजेंट इट, नीड नॉट टू बी एंटीसिमेट्रिक बट ऑब्वियसली दूसरा ही बचा तो इंटरसेक्शन। क्या इंटरसेक्शन एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा, हाँ। क्या ये आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं क्या? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अगर आखिरी स्टेटमेंट देखिए, इफ अ रिलेशन इज एंटीसिमेट्रिक देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो भी एंटीसिमेट्रिक, इस पे पोल करना बनता है। इफ अ रिलेशन इज एंटीसिमेट्रिक देन इट्स कॉम्प्लीमेंट विल ऑल्सो भी एंटीसिमेट्रिक, पोल इज ओवर, 38% लोग बोल रहे हैं द स्टेटमेंट इज ओके एंड 62% बोल रहे द स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या 62% में से कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल कोट कर सकता है जो ये बोले कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे नाम मुझे आज मिले हैं, मैंने सबके नाम याद भी कर लिए हैं। तो अगेन डायगोनल, तो नाउ ए ए बी बी एंड सी सी क्या ये एंटीसिमेट्रिक है, हाँ। लेकिन जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या वो एंटीसिमेट्रिक होगा? नहीं। तो this complementation is not close. If a relation is antisymmetric, then its complement will also be antisymmetric. दरअसल ये statement false है। बताएं भाई, ये बात follow कर पा रहे हैं क्या? बहुत अच्छे। चलिए जरा पहचान के बताइए चारों में से कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। दरअसल मुझे सिर्फ ट्रू वालों के नाम नजर आते हैं, तो मैंने जानबूझ के उल्टा किया ताकि मुझे नाम तो नजर आए। कि कौन है वो महारथी, वो शूरवीर योद्धा जो ये चमत्कार कर रहे हैं, इसको जरा ध्यान से ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए पूछ रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है।
फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, आपको बताना कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, उसके बाद एक ज्ञान दूंगा आपको इस क्वेश्चन के बाद। देखो, कंसीडर अ सेट कैपिटल ए जहां पे तीन एलिमेंट हैं ए बी सी, यू हैव फोर रिलेशंस आर वन आर टू आर थ्री आर फोर ऑन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आपको बताना इनमें से कौन कौन सा एलिमेंट ट्रू नहीं है, इजंट इट। अब अगर इसको हम ऑब्जर्व करें तो सिर्फ डायगोनल के दो एलिमेंट है ए ए और सी सी, और आप जानते हैं डायगनल पे तो दोनों की रजामंदी है, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक दोनों यस कह रहे हैं, हमें भी इस बात से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नाउ सिमेट्री ए बी के लिए बी ए है बट ए सी के लिए सी ए नहीं है, सिमेट्री नहीं होगा ये। एंटी सिमेट्री, अब ए बी के लिए बी ए है तो एंटी सिमेट्री भी नहीं है, बट अगर दोनों नो लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट भी तो ट्रू ही हुआ ना। ए बी के लिए बी ए नहीं, बी सी के लिए सी बी नहीं, ए सी के लिए सी ए नहीं, सिमेट्री नहीं है, एंटी सिमेट्री है, हाँ ये बात भी सही है। और लास्ट वन, ए बी के लिए बी ए है, सी सी हो सकता है, एंटी सिमेट्री नहीं क्योंकि सी सी तो अलाउड है बट ए बी के लिए बी ए अलाउड नहीं है, तो ये भी सच है। अब देखिए, अगेन आपको एक ऑब्जर्वेशन समझाता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये टेक्निकली आसान है कि मुश्किल है बेस्ड ऑन द लॉजिक? बहुत आसान है। आप बोलेंगे सर सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक वो भी दो दो तीन तीन पेयर है, बट मैं 100% श्योर हूं इस क्वेश्चन के साथ, मैं कई बार एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं और अब तो मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन आ गया है, 80-90% लोग इसको गलत आंसर करते हैं, गलत 80-90%, बिकॉज वही दिमाग में जल्दबाजी है, फिर धीरे धीरे समझ आना शुरू होता है कि अच्छा यार ये तो क्या पूछ रहा है। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? और अगेन अगेन क्लास के अंदर गेट में तो मैं चेक कर नहीं सकता, और फिर भी आप एक बात देखिए, पूछा था नॉट ट्रू, पता नहीं इस पे भी किसी ने ध्यान दिया होगा नहीं दिया होगा, उसके बाद भी आधे लोग बोल रहे हैं ऑल आर ट्रू। भाई बोलो, मैंने थोड़ी पूछा ऑल आर ट्रू, आप क्यों मुझे बता रहे हो ट्रू क्या है? भाई उसने पूछा नॉट ट्रू, तो लास्ट में यू नो जैसे हिंदी पिक्चर में कम से कम लास्ट में जब विलन की और हीरो की लड़ाई होती है, चार पांच बार बाजी पलटती है, पहले वो बंदूक रखेगा, हीरो ने बंदूक रख दी, फिर कर्टन खुलता है देखते हीरो की माँ बंधी हुई है, फिर हीरो की बंदूक चली जाती है, फिर बीच में दीवार तोड़ के हीरो का दोस्त आता है गाड़ी लेके, लेकिन फिर दूसरे में हीरो हीरो के दोस्त की बहन भी बंधी होती है, फिर बाजी पलटती है, फिर फाइनली हीरोइन आती है, बंदर वंदर कोई आता है वो बंदूक लेके कैच देता है, तब एक्चुअली लास्ट में बाजी पलटती है। इस तरह से इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व नहीं करोगे तो बहुत बार ट्विस्ट आ जाएंगे इसके अंदर। अच्छा ऐसा रेस टू में था क्या? R3 ट्रू कैसे है? किशन लाल कह रहे हैं R3 में प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों बातें सच है ना, ये सिमेट्री है और एंटी सिमेट्री है, आप चेक कर लो। मुझे बताएं एक बार, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? किशन दोनों बातें होल्ड कर रही हैं, सिमेट्री भी है और एंटी सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको एक बता रहा था कि भाई इनको बहुत आसानी में मत लेना, अगर सिंपल आइडेंटिफिकेशन की क्वेश्चन में पूछे अगर ध्यान ना दें तो उसमें भी कभी कभी गड़बड़ घोटाला हो जाता है। इसको जरा ऑब्जर्व करें, बताएं आंसर क्या होगा। कंसीडर अ बाइनरी रिलेशन पूछ रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू,
क्या बात है, इसमें भी कंफ्यूजन है, और ये इतना मासूम क्वेश्चन है एक नंबर का, इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो भाई? कंसीडर अ बाइनरी रिलेशन आर दिस 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 ऑन अ सेट एक्स वाई जेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? और दो ही बातें की गई हैं शायद, सिमेट्री और एंटी सिमेट्री की। क्या क्या वोटिंग है? 9%, 8%, 3% और 79%। क्या ये सिमेट्री है? एक्स वाई है, वाई एक्स मुझे तो कहीं दिखा नहीं, आपको दिख रहा है क्या? हाउ इट कैन बी सिमेट्री? ये जो 9% लोग हैं, 9 और 3 12%, ये लोग बेशर्म हैं क्या? चक्कर क्या है? क्वेश्चन ऑब्जर्व नहीं कर रहे, साथ में बाबूशो होना कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं ये? पहले एलिमेंट पे गेम खत्म हो रहा है, एक्स वाई पे वाई एक्स तो नहीं है, फिर कैसे ये सिमेट्री हुआ? नाउ एंटीसिमेट्री, नॉट एंटीसिमेट्री, एक्स जेड के लिए इज जेड एक्स बिल्कुल बराबर में, मैंने कहीं छुपा के घुमा फिरा के नहीं लिखा है, बिल्कुल बराबर में रखा हुआ है। अगर जेड एक्स के लिए एक्स जेड है तो एंटीसिमेट्री तो अब ये नहीं है। तो मैं क्षमा चाहूंगा उन 8% लोगों से भी जिन्होंने पहला पड़ाव पार किया बट फाइनल गाला राउंड में नहीं पहुंच पाए, आपको इंडियन आइडल से बाहर किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक। बट सर एक्स जेड के लिए जेड एक्स है, हो एक्स जेड के लिए जेड एक्स हो, पर इसकी भावनाओं का क्या श्वेता, इसका साथ कौन देगा? ये तो आपस में एक्स वाई के लिए, जब वाई एक्स नहीं है, क्या हमें किसी एक एलिमेंट के लिए सिमेट्री ढूंढना है कि हर किसी के लिए? अब आप कोई ट्रिप बना रहे हैं, आप कोई ट्रिप बना के जा रहे हैं, अब या तो उसमें सारे सिंगल रखो या नहीं सारे कपल रखो, ऐसे नहीं चार सिंगल दो कपल, ये बड़ी अजीब माया है, मूड खराब हो जाएगा आपका। चलिए तो ये बात आप फॉलो कर पा रहे हैं। अब सिमेट्रिक परिवार का सबसे आखिरी बालक जो है असिमेट्री। सर हर बार मासूम क्वेश्चन आते हैं, फिर अब ऐसे क्वेश्चन का अमाउंट कम होने लगा है, कह सकते हैं समय के साथ अभी प्रिपरेशन बढ़ी है गेट वालों का, थोड़ा तो सा स्टैंडर्ड भी उन्होंने अप कर दिया है। अब ये देखिए जरा एंटी सिमेट्री, तो इस घर के अंदर रेस्ट्रिक्शंस जो हैं और ज्यादा हैं या कम है, ये क्लियर कट बोल रहा है, कहता है मुझे नहीं चाहिए फालतू ड्रामा, अगर ए बी बिलोंग करेगा तो बी ए बिलोंग नहीं करेगा, चाहे ए बी सेम हो चाहे ना हो, यानी के डायगनल भी अलाउड नहीं है, बात खत्म, डायगनल एलिमेंट भी नहीं चलेगा, दैट इज इट। अगर आप मानते हैं तो फिर आप असिमेट्री कहला सकते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं एंटी सिमेट्री का ही स्पेसिफिक केस है असिमेट्री, या एंटी सिमेट्री के सबसेट हुए? जो उसमें भी स्पेसिफिक कंडीशन फॉलो करे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इफ आई गो बाय एग्जांपल फर्स्ट, तो ऑल दिस फिल इन द ब्लैंक्स फॉर यू, जरा ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए 1 से लेके 7 तक कौन कौन वो बालक हैं जो असिमेट्री कहलाएंगे।
मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन नहीं है। पहले मैं एक बात बोल देता हूं, अगर आप एंटी सिमेट्री में ही फेल हो गए तो क्या एसिमेट्री बनने की लड़ाई में आप हैं? नहीं है। सो इफ यू आर नॉट एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक नहीं है तो आप असिमेट्रिक भी नहीं होंगे। यहां तो डायरेक्ट मैं नो मार्क कर देता हूं। जी हां बिल्कुल, बाकी अब आगे ऑब्जर्व कर लेते हैं। फाइव फॉर अ सरप्राइज यू सी फाइव भी असिमेट्रिक है। फॉलो कर पा रहे इस बात को? फाइव ऑल्सो सेटिस्फाइज द कंडीशन टू बी असिमेट्रिक। व्हाट अबाउट द डायगोनल रिलेशन? बिल्कुल भी नहीं। व्हाट अबाउट वन वन टू वन वन थ्री? एक भी सिमेट्रिक पेयर नहीं, कोई डायगोनल नहीं। ठीक है ले आओ, वन वन पहला पेयर देखते ही बाहर कर दो। सिर्फ दो ही रिलेशन यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएंगे असिमेट्री की। बड़े कोर कंडीशंस इसके हैं, सेकंड और फोर्थ। अब कुछ ऑब्जर्वेशन देखना चाहते हैं। आमतौर पे जब एक परिवार में इतनी वेरिएशन है, सिमेट्री एंटीसिमेट्री असिमेट्री सब कुछ है, तो कुछ बातें कुछ अजीब या डिफरेंट महसूस देती हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन आपसे पूछूंगा, जैसे इज इट पॉसिबल कि कोई रिलेशन तीनों हो, एंटीसिमेट्री असिमेट्री और सिमेट्रिक? हाँ, अब देखिए ये ऑब्जर्वेशन केस आपके सामने है इसलिए आपको बड़ा आसान लग रहा है, बट आप 10 में से पूछिए किसी से, सीएसआईटी वालों से, बोलेगा सिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक असिमेट्रिक एक साथ कैसे हो सकता है? बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज यू हैव फाइव, इजंट इट? क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिलेशन तीनों में से कोई ना हो? जैसे कल कोई पूछ रहा था सर इसका नाम क्या होगा, हाँ भाई ये देखो सातवां है ना, ना ये बाबू सिमेट्री है, ना एंटीसिमेट्री है, ना असिमेट्री है, क्योंकि इसको अगेन बीच मझधार में छोड़ दिया है। टू थ्री के लिए थ्री टू है, बट वन टू के लिए टू वन के लिए थ्री वन या टू वन नहीं है, तो बेचारा कुछ नहीं बनाए। इजंट इट? ना सिमेट्री, ना एंटीसिमेट्री, ना असिमेट्री। इससे कंफ्यूजन क्या निकलता है? जो काम करना है पूरा करना है, बीच में नहीं छोड़ना। जो काम करना है वो पूरा करना है, बीच में नहीं छोड़ना, और बार बार लाइन नहीं बदलनी, वरना फिर लॉन्ग रन में आपकी लाइफ का बहुत समय वेस्ट हो जाता है। Isn't it? पढ़ाई भी आपने पहले, क्या एग्जांपल आपको, आपने पहले बीटेक किया, बीटेक के बाद आपने एमबीए किया, और उसके बाद बीटीसी करके यूपी में सरकारी नौकरी लगने का इंतजार कर रहे हैं। जूते निकाल के मारना शुरू करो और 10 तक मारो, फिर भूल जाओ, फिर मारो। है ना? तो ऐसा नहीं करना, एक लाइन पकड़नी है बस। आप ज्यादा एफर्ट करें, कम एफर्ट करें, लेकिन अगर करते रहेंगे एक ही काम, तो एक टाइम के अंदर कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग एक्सपर्टनेस आप में जरूर होगी। बिल्कुल करो, लेकिन अब ऑब्वियसली सेम स्ट्रीम में करो, सो दैट जो नॉलेज है उसी में कुछ ना कुछ एनहेंसमेंट हो। सर कितने लोग सीएस के बाद आईएएस क्यों करते? देखिए सीएस के अंदर आप क्या सीखते हैं, या अगर आप बिगर गोल देखेंगे ना, पढ़ाई जो है, जो आपको पढ़ा रहे हैं, क्या हम ये मान के पढ़ा रहे हैं कि एग्जैक्टली यही आप अपनी लाइफ में करने वाले हो? नहीं, पढ़ाई का ये मतलब नहीं है, इस बात को समझिएगा। यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, प्रेशर हैंडल करना, ऑर्गेनाइजेशन देखना, मैनेजमेंट देखना, आप यहाँ पे मेमोरी और स्पेस मैनेज कर रहे हो तो वहां पे पूरा जिला मैनेज कर रहे होंगे, इजंट इट?
अब समझ जी, लाइक आईएएस बनने के लिए इतना टफ एग्जाम है, 15-16-18 घंटे लोग पढ़ रहे होते हैं, तो कम से कम एक बात तो पक्का है, अपने आप को तो मैनेज करना आता होगा ना उसको। अब आधे लोग अपने आप को ही नहीं मैनेज कर रहे, जिला कैसे चलाएंगे कल। तो अगेन मैं बस एक बात बोल रहा था कि आप एफर्ट करें और कंसिस्टेंट करें और एक ही चीज पे लगे रहेंगे तो देर से सही बट आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन छोड़िएगा मत उसको। व्हाट डू यू थिंक अबाउट एमबीए आफ्टर बीटेक? देखिए सब्जेक्टिव मैटर है इजंट इट, मेरी कोई खास राय तो इसमें नहीं है। अगर आप एक समय के बाद हायरार्की में ऊपर जाते 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 आप समझ ही रहे हैं कि आपको उस आईडी उस फील्ड में जाना है तो ठीक बात है, वैसे मुझे लगता है अदरवाइज इट्स इट्स नॉट गुड, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। और एक चीज है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एमबीए के केस में कम से कम ऐसा है, अगर पॉसिबल है तो पहले 1-2 साल बिजनेस करें, जॉब करें, उसके बाद एमबीए करें, ताकि कुछ क्लैरिटी तो आपको आए मार्केट में काम एक्चुअली होता कैसे है। हमारी टेक्स्ट बुक बहुत अलग पढ़ा रही होती है। उदित कह रहे हैं स्टार्टअप, देखिए ये सब नाम सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, वो पॉइंट है कि आप करते कि नहीं। इंडिया में जो अनपढ़ होता है, जिसको इतना पढ़ा नहीं होता और फिर भी उसे किसी को कुछ बताना होता है, वो कहता है मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं, प्रॉपर्टी डीलर। और जो पढ़ा लिखा होता है वो कहता है मैं स्टार्टअप करूंगा, आजकल ये फैशन में है। तो एंटरप्रेन्योर, यस। चलिए खैर हम मुद्दे पे आते हैं और आपके लिए 9 क्वेश्चंस हैं, जल्दी से ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए आंसर क्या होगा। यूट्यूबर बहुत लोग बनना चाहते हैं, बाकी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, ट्विंकल जी आप जाए चेक करें, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी, जो जो भी है। इंडियन बुल बनना है, आपका शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है परितेश जी? ओके गुड, इंटरेस्ट है या कुछ करते भी हैं आप? करता हूं, ओके। गुड, बीच में मुझे शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट आया था, मैंने 5-6 महीने खूब काम किया, फिर मुझे एक दिन एक बात समझ आई। कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, फिर मैंने बंद कर दिया। चलिए जरा वैल्यू बाय वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं। बताता हूं अभी हार्ड है कि मुश्किल है कि क्या है। स्मॉलेस्ट असिमेट्रिक रिलेशन, आई थिंक ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन हमारा है, ये रिजल्ट तो फाइव होगा, इसमें किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होना नहीं बनता, दैट इज फाइव। लार्जेस्ट असिमेट्रिक रिलेशन विल कंटेन लार्जेस्ट, ओके वेरी गुड, ज्यादातर लोग फॉलो कर पा रहे हैं क्या? सेम जो ऑब्जर्वेशन अगर मैं इधर ही करके दिखा दूंगा आपको, जो सेम ऑब्जर्वेशन हमने किया था 1-1-2-2-3-3, 2-1-2-2-2-3 एंड 3-1-3-2-3-3, इस बार शायद डायगनल भी परमिट नहीं होगा, कल से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्टार्ट लाइक 1+2+3,
तो इस बार क्या मैं एन तक जा पाऊंगा या एन माइनस वन तक ही जा पाऊंगा, क्योंकि जो मेन डायगनल है, वेरी गुड, मेन डायगनल भी इंक्लूड नहीं होगा। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? बहुत अच्छे। सो इट इज एन इंटू एन माइनस वन बाय टू। टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन विल बी, आई थिंक ये बड़ा आसान है। यहां पर एक काम करता हूं, बजाय आपको आगे परेशान करने के, मैं आपको यहां पीछे लेके जाना चाहता हूं। लुक एट दिस, ये डेरिवेशन कुछ समय पहले हमने किसका किया था? एंटीसिमेट्री का। अगर मैं आपसे सिर्फ इतनी बात बोल दूं कि यहां पे ये फर्स्ट कंपोनेंट हटा दीजिए, दैट इज इट, बात खत्म हो गई। सही है कि नहीं है? जो नॉन डायगनल है उनका तो केसेस सेम है ना, वन टू है, तो चाहे तो दोनों ना हो या तो दोनों में से कोई एक हो, डायगनल की चॉइस मैंने हटा दी, तो आंसर डायरेक्ट हो जाता है 3^n (n)(n-1)/2। सो दैट इज द नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल, 3^(n)(n-1)/2। फॉलो कर पा रहे हैं? इस स्लाइड को कॉपी कर दीजिए, बाद में कॉपी कर दूं मतलब। उस पूरे डिस्कशन को लिखूं या दोबारा बनाऊं? ये स्लाइड कॉपी नहीं होता यहां पे। आगे बढ़िए। एवरी असिमेट्रिक रिलेशन इज ऑल्सो एवरी असिमेट्रिक रिलेशन इज ऑल्सो एंटीसिमेट्रिक। सही है कि गलत है? एवरी असिमेट्रिक रिलेशन इज ऑल्सो एंटीसिमेट्रिक, अगर असिमेट्रिक है तो एंटीसिमेट्रिक होगा। ये बात बिल्कुल सही है, isn't it? भाई वो तो ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव फॉर्म है ना। अगर आप असिमेट्रिक हैं, एंटीसिमेट्रिक तो होंगे ही होंगे। नेक्स्ट देखिए, सबसेट ऑफ असिमेट्रिक विल ऑल्सो बी असिमेट्रिक, नाउ दैट इज ऑल्सो ट्रू। ये सेम ऑब्जर्वेशन आप एंटीसिमेट्री पे भी कर चुके हैं। आगे बढ़िए, सेकंड वाले में कौन है ये? n-n-2 होगा ना बाबू। एक बात समझो, जब हम 1 से लेके n तक जाते हैं तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला था n(n+1)/2। यस, अब आपने n की जगह n-1 ही तो रखा है। ओके, सुपरसेट ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन विल ऑल्सो बी सुपरसेट ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन विल ऑल्सो बी असिमेट्रिक। फॉल्स, ऑब्वियसली नहीं, मैं उसमें कुछ एडिशनल ऐड करूंगा तो फिर होल्ड नहीं कर पाएंगे। इफ टू रिलेशंस R1 R2 आर असिमेट्रिक देन देयर यूनियन विल ऑल्सो बी असिमेट्रिक। ये बात सही है कि गलत है? जाहिर सी बात है फॉल्स है। फॉलो कर पा रहे हैं? अगेन सेम एग्जांपल काम करेगा। एक अकेला ए बी है, एक अकेला बी ए है, दोनों अलग अलग असिमेट्रिक हैं, बट दोनों मिलके असिमेट्रिक की कंडीशन को वॉयलेट करके सिमेट्री बना लेंगे। सो यूनियन इज वेरी रिस्की। व्हाट अबाउट द इंटरसेक्शन? इफ टू रिलेशंस R1 R2 आर असिमेट्रिक देन इंटरसेक्शन आल्सो बी असिमेट्रिक। ये बात ऑब्वियसली बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये होल्ड करेगा। फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? If a relation is asymmetric, then its complement is also be asymmetric. Already इस पे बात हो चुकी है।
फाई का उल्टा करेंगे कार्टेशियन मिलेगा, ये स्टेटमेंट भी फेल हो जाएगा। मुझे बताएं कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ डेवलपमेंट, क्या सिमेट्रिक परिवार भी जो है अब आपसे परिचित है? फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? बहुत अच्छे, वन बाय वन आगे बढ़ते हैं और फाइनली जो थर्ड और लास्ट फैमिली है, इतने सारे याद रहना मुश्किल है। अभी भी वही मानसिकता है, यू नो, स्कूल वाली, याद नहीं रखना है, समझना है बस और रिवीजन करते रहना है। कभी आप मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने गए हैं? तो आप उससे बोलोगे ये दवाई चाहिए, क्या उसको पता है कौन सी दवाई दवाई किस शेल्फ में, किस बॉक्स में रखी हुई है, या वो दवाई अभी उसके पास है भी कि नहीं है? यस, कैसे याद रहता है उसको? नहीं, खुद रखी होती तब भी भूल गया होता, क्योंकि यार वो डेली 12 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, इजंट इट? डेली 12 घंटे यही काम है उसका, वो रोज रोज यही काम कर रहा है। आजकल वाले जो नई जनरेशन है वो देखती है कंप्यूटर में, पुराने अंकल तो भी बता देते थे कुछ शेल्फ में रखी होगी निकाल। तो आप इस पे काम करिए, कंसिस्टेंट एफर्ट करिए, आप रियलाइज करेंगे कि आपको चीजें याद भी रहेंगे और आप ऑब्जर्व भी कर पाएंगे, थोड़ा सा उसको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए कॉलेज में आपको कोई पसंद आ गई, आप कॉलेज से उसके पीछे पीछे, यस, कि चलो आज इसका घर देख के आते हैं कहां है। एक दोस्त तोड़ लिया साथ में, अकेले डर लग रहा है, तो धीरे 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 चल रहे हैं गलियों में, निकलते निकलते जैसे तैसे भाई घर पता लग गया, लग गया। अब आप मुझे बताओ, क्या आप वो घर का एड्रेस भूल जाओगे क्या? ये बता दो बस मुझे, भूल जाओगे? कैसी बात कर रहे हो पांडे जी, सर कैसे भूल जाएंगे? तो फिर ये क्यों नहीं याद हो रहा आपको? तो ये सिर्फ इंटरेस्ट की बात है। ये दो दो चीजें, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं, दो तरीके हैं याद रखने के किसी भी काम को, या तो उसको मजा लेके पढ़े, मजा लेके ऑब्जर्व करें, तो दिमाग को लगे यार मजा आ रहा है बस अब यही याद रखना है, दैट इज इट, या फिर दूसरा काम है कि आप उस पर रेगुलर प्रैक्टिस करें, फिर आपको उसमें मजा है नहीं है, बोरिंग है इंटरेस्टिंग, बट जब डेली करना है तो आपको याद हो जाएगा, बात खत्म। बताए, बात समझ आ रही है क्या? तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ, कल सुबह छुट्टी है, तो आप इसीलिए मैं इतनी कहानियां स्टोरीज भी एसोसिएट करता हूं, आप उसमें इंटरेस्ट लीजिए, मजा लीजिए, धीरे धीरे आपको आप चीजों के साथ रिलेट करने लगेंगे। चलिए इधर आ जाइए, ट्रांजिटिव, लुक एट दिस, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट इज सेट टू बी ट्रांजिटिव। और यहां देखिए मैं डायरेक्ट डेफिनेशन पर ला रहा हूं पहले आपको, क्योंकि ये ऐसा रिलेशन है जो हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी आ जाती है, ट्रांजिटिव।
कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके पहले पेज पे प्रियम्बल लिखा हुआ है, दूसरे पेज पे ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन है, उनको पता है कि हर जगह इस्तेमाल होता है। तो अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, अगर बी कॉमा सी रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिव है, वरना नहीं है। बताएं भाई, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो यहां पे बिना समय गवाए इस बार ज्यादा केसेस पूछूंगा और डिफरेंट केस पूछूंगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी कंडीशनल है, इसलिए मैंने इतने केस बनाए हुए। देखिए हर्ष, पता लग जाएगा कहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कहाँ क्लियर है। कंडीशन भी कंडीशनल है, यानी कि ए सी, जाहिर सी बात आपको कब ढूंढना है, जब आपके पास ए बी और बी सी हो। जब ए बी और बी सी हो सिर्फ तब आपको ए सी ढूंढना है। अब जब 1 से लेके 11 तक अलग अलग केसेस ऑब्जर्व करें, मुझे बताएं आंसर क्या होगा। पॉज नहीं हुआ है, आपको बताना है कौन कौन ट्रांजिटिव है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। चलो जरा एक बार वैल्यू बाय वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद रियलाइज करेंगे क्या आंसर होगा। एक्सेप्ट 7 सबके सब ट्रांजिटिव है। मैं आपको एक बार पहले ही बता दूं, जितने भी रिलेशंस अभी तक हमने पढ़े हैं उन सब में सबसे कंफ्यूजिंग अगर कोई है डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन में, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। चले जरा वैल्यू बाय वैल्यू देखता हूं। फर्स्ट वन, ए क्रॉस ए, क्या ये ट्रांजिटिव है? यार इसके पास तो सारे पॉसिबल पेयर है ही हैं, इजंट इट? तो सारे पॉसिबल पेयर हैं तो कौन है कौन नहीं है, कौन मिसिंग होगा, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता। सो ऑब्वियसली दिस इज ट्रांजिटिव, ए क्रॉस ए ट्रांजिटिव है। फॉलो कर पा रहे हैं? नेक्स्ट देखिए फाइव। नाउ कंडीशन भी कंडीशनल है, कंडीशन भी कंडीशनल है। तो क्या अगर ए बी और बी आपके पास नहीं है तो क्या ए सी, माफ कीजिएगा, ए बी और बी सी आपके पास नहीं है तो क्या आपको ए सी ढूंढना है? नहीं ढूंढना। सो
दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइज टू बी ट्रांजिटिव. नेक्स्ट देखिए 112233, क्या यहां पर अगेन सोचिएगा ए बी बी सी वो वाला कुछ आइडिया बन पा रहा है? नहीं. जब तक ए बी और बी सी दोनों नहीं हो तब तक ए सी नहीं ढूंढना. बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रांजिटिव है. अब यहां पर कंडीशन बन रही है बट शायद कंडीशन प्रिजर्व्ड भी है. यहां पे मैं एच की मदद से अगर आपको बताऊं, वन से आप गए टू और टू से आप गए थ्री, तो अल्टीमेटली जो केस बनता दैट इज 1 2 3, और 1 2 3 यहां पर है. ट्रांजिटिव पेयर जनरेट किया गया था बट पूरी रेस्पेक्ट उसको की दिया गया है, तो 1 से 2, 2 से 3, 1 से 3, जी हाँ ये भी ट्रांजिटिव है. फॉलो कर पा रहे हैं क्या सब लोग? किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो बताएं. नेक्स्ट केस देखिए 1 1 1 2 2 1 2 2, फिफ्थ वन, क्या ये ट्रांजिटिव है? अगर कोई सबूत दे सकता है तो बताओ. जो भी बोल रहा है नहीं है वो मुझे काउंटर में एक एक पेयर दे सकता है कि सर फला पेयर होना चाहिए था बट मिसिंग है. मैं मान लूंगा आपकी बात. और ट्रांजिटिव में ना करना बहुत आसान है बट प्रूफ होना चाहिए. वन से गए टू, टू से गए वन, ट्रिपल वन, नहीं ट्रिपल वन तो सच में नहीं है रोहन साहब, मैं क्षमा चाहूंगा. तो वन वन तो फिर मैं क्या बोलूं, फिर तो आप मुझसे क्षमा मांग लीजिए अगर वन वन की बात कर रहे हैं तो. अरे वन वन तो सबसे पहले लिखा ही हुआ है. यू डिजर्व्स अ रूडी सैल्यूट. तो 1 1 2 2 1 से 2 2 7, आई थिंक सारे पॉसिबल केसेस हैं. मानना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव है. अगर आप कोई पॉसिबल पेयर, कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन उसके अगेंस्ट में जनरेट नहीं कर पा रहे. हाँ बिल्कुल है, थोड़ा बहुत रोने का प्रोग्राम चलता रहता है. सर मैंने यस बोला था. अच्छा आपने यस बोला था तो फिर आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे थे? आर्ग्यूमेंट किसको करना था मुझे बताएं? आर्ग्यूमेंट किसको करना था जो नो बोल रहे थे, isn't it? वरना होता ही ये. चलो कोई बात नहीं, जहां अपना काम नहीं वहां पे अपने को जाना नहीं, वरना लड़ाई कोई और करके गया आपको, उसने बता रहे वहां लड़ाई हो रही है, चलो मजा आ रहा है, आप वहां गए पुलिस पकड़ के आपको ले गई कि चलो थोड़ा इंडिपेंडेंस तुम्हें ही देते हैं. ये ट्रांजिटिव समझ नहीं आ रहा. ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी कह रही है बाईपास करना. अगर ए से आप बी तक जा रहे हैं, बी से आप सी तक जा रहे हैं, तो ए से सी का डायरेक्ट रास्ता होना चाहिए. ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है. मेरे मुझे नहीं बुला रही, वो मुझे नहीं बुलाती, बाबा बोल रही होगी. सर डिनर क्लास के बाद करते हैं या पहले? मैं शाम को डिनर ही नहीं करता, मतलब पहले और बाद का मसला ही खत्म. आप बस पानी ही पानी पी दो. नहीं, मैंने आखिरी बार सन 2012 में एक कप चाय पी थी, उसके बाद सिर्फ पानी पिया है. भाई मैं पता नहीं आप लोग को इतनी क्यूरियोसिटी क्यों रहती है. मैं आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूं, मैं खाना खाता हूँ, सोता हूँ, पानी पीता हूँ, चाय पीता हूँ, सब पीता हूँ. अब क्लास में असल में चाय थोड़ी पीता रहूंगा, लेकिन क्योंकि बोलने का काम है. मैं सोचिए 6 घंटा हो गया बकवास करते करते, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. आदत इतनी है कुछ बकवास क्लास के बाद, क्लास से पहले भी कर रहा होता हूँ, तो आदत हो गई है मुझे अब. तो आई नीड वॉटर. चलिए बताएं जरा सिक्स्थ वन.
11223313211 क्या कुछ बन सकता है क्या? है ये ट्रांजिटिव? नहीं है। अच्छा, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के पेयर आपको ढूंढने हैं, और कुछ लोग यहां पर विद्रोह कह रहे हैं कि साहब हमने ढूंढ लिया है। क्या ढूंढा है? वेरी गुड। तो आप एक पेयर देखेंगे, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। टू से आप जा पा रहे हैं वन, एक पेयर है, और वन से आप जा रहे हैं थ्री, दूसरा पेयर है। तब थ्योरी ऑफ ट्रांजिटिविटी कहती है कि टू से थ्री भी जा सकते हैं। फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं? जबकि टू थ्री यहां पे प्रेजेंट नहीं है। नाउ दैट इज वायलेशन ऑफ रूल, सो नाउ दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। दैट इज क्लियर कट वायलेशन, तो अब ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर हो रहा है क्या पॉइंट सभी को? यस, अनअकैडमी के बाद बाद और कहां पढ़ाते हैं? कहीं नहीं पढ़ाता, और कहीं नहीं पढ़ाता हूं। कभी कभी कुछ समय मिलता है तो YouTube पे कुछ वीडियोस बनाता हूं। सर, थ्री टू या टू थ्री लिखने से कोई फर्क पड़ता है या दोनों सेम है? बताओ भाई रितिका साहब, क्या जवाब दें इनको? ये जितने भी रिलेशन में हम पेयर बना रहे हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर है या अनऑर्डर्ड पेयर है? यार ये सब ऑर्डर्ड पेयर है, तो जाहिर सी बात है फर्क पड़ता है। आप ऐसे जैसे चाहे जैसे उसे नहीं बदल सकते। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ओके, नहीं। अच्छा, आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आ रहा कि आप कितनी कितनी बातें कर रहे हो भाई अलग से? तो इसका मतलब अगर मैं अपनी अपनी जीवनी लिखूं, ऑटोबायोग्राफी लिखूं, तो आप लोग तो खरीद ही लोगे ना, 50-100 कॉपी तो बिक जाएंगी। शुभम तो पक्का खरीद लेगा, ये तो मुझे पता है। चलिए ठीक है, इधर आ जाइए। ये बताइए, सेवेंथ वन, 1321 2332 है कुछ ये ट्रांजिटिव या नहीं? वेरी गुड, नहीं है। कैसे नहीं है? नाउ लुक एट दिस, बहुत सारे आइडियाज हो सके। अच्छा वैसे डायरेक्ट देखो ना, डायरेक्ट है। टू से आप गए थ्री, और थ्री से आप गए टू, टू से थ्री, थ्री से टू, तो एक और पेयर जनरेट होना चाहिए, दैट इज टू टू, जो यहां पर मिसिंग है। इसका मतलब ये भाई साहब भी ट्रांजिटिव नहीं है। और आप सोच सकते हो वन वन तो नहीं बनेगा, टू टू और थ्री थ्री आई थिंक मिसिंग है, इजंट इट? टू टू और थ्री थ्री दोनों मिसिंग है। बट ऑब्वियसली हमें सारी कमियां ढूंढने की जरूरत नहीं, अगर एक भी गड़बड़ आप पकड़ लें तो वहीं पे डिस्कशन क्लोज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है। फॉलो कर पा रहे हैं? अब आगे ऑब्जर्व करिए, वन वन अकेला पेयर है, अकेला पेयर है, सवाल है ट्रांजिटिव है कि नहीं? वेरी गुड। तो क्योंकि अकेला पेयर है, इस पर कोई फर्दर डिस्कशन बनता नहीं है। जी हाँ, ये ट्रांजिटिव है। अच्छा मैं एक स्टेटमेंट बोल दूं ऐसे, एनी पॉसिबल रिलेशन विच कंटेन्स नो एलिमेंट और वन एलिमेंट इज बाउंड टू बी ट्रांजिटिव, वो ट्रांजिटिव होगा। जैसे डेटाबेस में बोलते हैं ना, एनी रिलेशन विच कंटेन्स ओनली वन एट्रीब्यूट विल ऑलवेज बी इन BCNF। भाई जब एट्रीब्यूट ही नहीं है तो फिर मसले किस बात के हैं? तो एक एलिमेंट है तो ट्रांजिटिविटी जनरेट करने का कोई चांस नहीं है। बहुत अच्छे। नाउ लुक एट द नाइन्थ वन, 1, 3 and 2, 3। एक ऑब्जर्वेशन देखिएगा, लुक एट दिस, वन से आप जग गए थ्री, और टू से आप गए थ्री,
अब आप मुझे बताएं, जो मैं ये लाइन बाय लाइन आपको ऑब्जर्व करा रहा हूं, क्या यहां पर वन और टू का कोई डायरेक्ट लेना देना है? क्या अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ ट्रांजिटिविटी आप 1 2 या 2 1 सर्च करेंगे? नहीं ना, कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा, देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि आप 1 2 या 2 1 सर्च करो, दिस इज ट्रांजिटिव। ऑब्जर्व करिए इस बात को, ये सारे के सारे एग्जाम्पल कुछ ना कुछ सिखाने वाले हैं। यहां देखिए ये क्या कह रहा है, वन से आप जा रहे हैं टू और वन से ही आप जा रहे हैं थ्री। इस ऑब्जर्वेशन पे गौर करिएगा, वन से टू और वन से थ्री। अगेन आपसे पूछूंगा, हो जाएंगे निश्चय। तो आप मुझे बताएं, क्या 2 3 या 3 2 का डायरेक्टली कोई लेना देना है? क्या 2 3 का या 3 2 का? जी नहीं, 2 3 या 3 2 का डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। सो मैं इसको भी ट्रांजिटिव मानूंगा। आखिरी वाला 2 3 1 2, पहली नजर में देख के लगता नहीं, लेकिन मैंने ऑर्डर जानबूझ के उल्टा किया। अब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको समझ आएगा, वन से गया टू और टू से गया थ्री, सो ऑब्वियसली एक पेयर मिसिंग है, दैट इज 1 3। 1 3 यहां पर मिसिंग है, तो ये भाई साहब ट्रांजिटिव नहीं। अब मुझे बताएं, ये सारे केस ऑब्जर्व करने के बाद, इस डेफिनेशन को समझने के बाद, कि आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कुछ आइडिया हो रहा है कि ट्रांजिटिव कौन है कौन नहीं है, समथिंग लाइक दिस? अच्छा, एक बात और समझिएगा, अगर मैं आपसे डायरेक्ट सिर्फ एक सवाल पूछूं, नाइन्थ बता दूं, नाइन्थ में क्या बताऊं बताएं? नाइन्थ में मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं, वन से थ्री गए, टू से थ्री गए। देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ये इस तरह का स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, लुक एट दिस, इस तरह का स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, तब ढूंढना है। अब यहां पर वन से थ्री का या टू से थ्री का आपस में कोई लेना देना तो है नहीं, इजंट इट? और 11 में भी मुझे नहीं लगता कंफ्यूजन होना चाहिए, जो पहले लिखा बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बनाते चलो, टू से गए थ्री, वन से गए टू, यस आई नीड अ लाइन फ्रॉम 1 2 3, मुझे डायरेक्ट पास बाईपास चाहिए, वही ऑब्जर्वेशन है सिर्फ। तो 9 वाला होगा बट 11 वाला नहीं होगा, बताएं। मैं एक बात पूछ रहा था, अगर यहां पे मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितने केस पॉसिबल है ट्रांजिटिव के लिए, ये चलो पहले मैं इस बात को कंप्लीट करता हूं, स्टिल मैं पोल करता हूं, कितने लोगों का मानना है कि अभी भी ट्रांजिटिव रिलेशन आइडेंटिफाई करना कंफ्यूजिंग हो सकता है, या कंफ्यूजन, या कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सर क्लियर है, जो कह रहे कंफ्यूजन वो बोलिएगा ट्रू, जो कह रहे क्लियर है वो बोलिएगा फॉल्स। हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट, तो इसमें आपको कंफ्यूजन है कि स्टिल या क्लियर है। कंफ्यूजन मतलब ट्रू और क्लियर मतलब फॉल्स, ठीक है? यानी कि अभी भी लगभग लगभग 25% 30% लोग ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है। देखिए इसीलिए बिल्कुल मैं यहां पे आपसे एक बात करता हूं, जो ऑब्वियसली हमने बाकी सारे पेयर से रिलेशंस में नहीं की है, यहां पर करता हूं। एक आइडिया हम यहां पर डिस्कस करते हैं जिसको बोलते हैं वार्शल्स एल्गोरिदम। वार्शल्स एल्गोरिदम हमें क्या करता है, क्या समझाता है, इस चीज को अभी ऑब्जर्व करते हैं। देखिए पहले ये ऊपर एक रिलेशन नजर आ रहा है डायरेक्ट लिखा हुआ, जरा आपकी अंडरस्टैंडिंग से मुझे बताइए, ये भाई साहब रिफ्लेक्ट, ये भाई साहब ट्रांजिटिव है कि नहीं, डायरेक्ट आप बताइए। मिश्रा जी बताएं, ट्रांजिटिव नहीं है। अपराध क्या है, कौन से एलिमेंट जो आपके हिसाब से प्रेजेंट होने चाहिए थे नहीं है, जिस वजह से आप बोल रहे हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है?
वन टू मिसिंग है. ओके ये प्रूफ मुझे नजर आ भी रहा है, बिकॉज वन थ्री एक पेयर है, वन से गए थ्री और थ्री से गए टू. तो जी हाँ, ये बात तो आपकी वाजिब है कि वन से टू एक पेयर बनता है. वन थ्री भी मिसिंग है, वन थ्री तो नजर आ रहा है. सुशील, सुशीलता वाले काम करो. वन टू तो मैंने लिख दिया, उसके अलावा बताओ कुछ. हाँ ये सही है ना, वन से थ्री है, थ्री से वन है, तो थ्री वन है और वन थ्री है, तो थ्री थ्री भी मिसिंग है. ये भी एक वैलिड बात है, थ्री से वन है, वन से थ्री है, तो थ्री थ्री भी मिसिंग है. फॉलो कर पा रहे हैं क्या? बहुत अच्छे, ठीक है. तो अब मैं आपको एक छोटा सा आइडिया समझाता हूं, हालांकि उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना, बट ऑब्जर्वेशन समझिएगा क्या है. ये आइडिया ऐसे है, हम बात करते हैं एक रिलेशन, और रिलेशन अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकता है, रिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, एंटीसिमेट्री, असिमेट्री, ट्रांजिटिव, तो अलग अलग केसेस आपने पढ़ लिए. अब पॉइंट है कि मैं एक आइडिया कैलकुलेट करता हूं जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर. क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव क्लोजर. हालांकि हमें उसको ऑब्जर्व नहीं करना इन डेप्थ में, बट एक लॉजिक क्या है, अगर रिलेशन में उसके ट्रांजिटिव क्लोजर का आप यूनियन कर दें तो फिर रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाता है. ये एक मैथमेटिक्स है, ऑब्जर्व करें मैं क्या बोल रहा हूं. अगर रिलेशन में उसके ट्रांजिटिव क्लोजर को आप यूनियन कर दें, ट्रांजिटिव क्लोजर, टीसी स्टैंड फॉर ट्रांजिटिव क्लोजर. अभी समझाता हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो रिजल्ट होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा. अब इस प्रॉपर्टी का हम कैसे फायदा उठा सकते हैं? आप जिस रिलेशन के लिए आप काम कर रहे हैं, आप उसका ट्रांजिटिव क्लोजर कैलकुलेट कर लो. अगर ट्रांजिटिव क्लोजर में ऐसे कुछ एलिमेंट्स आए जो आपके पास नहीं है, तो आप समझ जाओगे कि आप ट्रांजिटिव नहीं हो. और अगर ट्रांजिटिव क्लोजर में ऐसा एक भी नया एलिमेंट नहीं आया, तो फिर ये श्योर हो जाएगा कि आप ट्रांजिटिव हो, इजेंट इट? लेकिन मेरी बात जरा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? तो ट्रांजिटिव क्लोजर इस मेथड में एक सर्टेनिटी ला सकता है, लेकिन हर चीज के कुछ फायदे कुछ नुकसान है. प्रॉब्लम क्या है? ऑब्वियसली दिस 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 प्रोसेस इज गोइंग टू टेक सम टाइम, इजेंट इट? तो अगेन मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मेरा एडवाइस नंबर वन क्या है, पहली कोशिश हमेशा करनी है कि आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर पाए, इजेंट इट? अगर आपको डायरेक्टली समझ आ रहा है कि सर वो पेयर मिसिंग और हमें हमारे पास पक्का सबूत है, तो वही मार्क कर दें कि ट्रांजिटिव नहीं है, चैप्टर क्लोज, बस. लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है एंड यू आर स्टिल नॉट श्योर, तो फिर आप इस एल्गोरिदम का, इस ट्रांजिटिव क्लोजर वाले आइडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं. मुझे बताइए बात क्लियर हो रही है क्या सभी को? तो क्या क्वेश्चन मिलते ही उन्होंने AK-47 चला देनी है? नहीं. तो अगर जरूरत पड़ती है ना, अब मान लीजिए कहीं लेट मी से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो क्या जाते ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है आपको, तो कैसे रखेंगे मेंटेन? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो कैसे करेंगे? मार के करेंगे. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपने तो चला ली सरकार. लाठी चार्ज कर देंगे, बातें करेंगे, वाटर कैनन मारेंगे, AK-47 चला देंगे. बहुत बढ़िया, प्यार से करेंगे. तो ऑब्वियसली हमें समझना है, देखो आधे लोगों का कंफ्यूजन क्या है ना, जो लोग आंदोलन करते हैं और जो पुलिस में भी हैं, ये ऐसा है कि देश के ऊपर अंग्रेज राज कर रहे हैं, सरकार किसी और की और जनता कोई और है, ऐसा तो नहीं है. तब अपने को ये बात समझनी है कि जो आंदोलन कर रहा है, जो सरकार में है, वो दोनों हमारे ही नागरिक है, इजंट इट? तो हर चीज का फैसला फिर आप बंदूक और गोली से नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है. तो जब तक पॉसिबल है उसको आपको मैनेजमेंट से, अपने स्किल से और सामने वाले की प्रॉब्लम समझ के उसे मैनेज करना होगा. यस, हालांकि अब ऐसा भी नहीं है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेगा तो उसके बाद आपके पास पूरे अधिकार है, आप कार्रवाई करें. है ना? तो ठीक उसी तरह यहां पर मैं बोल रहा हूं,
पहला अटेम्प्ट क्या करना है, पहले अटेम्प्ट में क्या सीधे एल्गोरिदम का इस्तेमाल करना है? जी नहीं, पहले उसको प्यार से समझाना है, डायरेक्ट पूछना है, अगर बात बन जाती है तो फिर वहीं उसे रिजॉल्व कर लेंगे। यस, अगर नहीं बनती तो फिर उसके ऊपर एल्गोरिदम इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। ये रिलेशन आपके पास गिवन है, 1 1 1 3 2 3 3 1 3 2। नाउ यहाँ देखिए, मैंने राइट हैंड साइड पे ये मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर पहले से बनाया हुआ है, और यहाँ पर मैं इसको 0 1 0 1 फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ आपकी परमिशन के साथ। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 1 प्रेजेंट है तो लेट मी राइट 1, 1 3 है लेट मी राइट 1, 2 2 है 1, 3 1 है 1, 3 2 है 1, और जहां जहां एलिमेंट नहीं है वहां वहां मैं लिख रहा हूँ 0। किसी भी रिलेशन को इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की बात आप फॉलो कर पा रहे हैं क्या? लाइक एडजेसेंसी मैट्रिक्स यू कैन से दिस। जस्ट मैं जहां प्रेजेंट एलिमेंट वहां 1 लिखना चाह रहा हूं, जहां नहीं है वहां 0 लिख रहा हूं। बहुत सिंपल ऑपरेशन है, बहुत सिंपल आर्ग्यूमेंट है। यस, ओके। अब आगे ऑब्जर्व करते हैं अगली बात, आगे ऑब्जर्व करते हैं अगली बात। करना क्या है, पहले बस मुझे देखना है कि कहां कहां पर होना है। तो गौर करिएगा, इसमें गलती मत करिएगा वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहला रो जो है उसमें मैंने कॉलम लिखा हुआ है, और अगले रो में मैंने रो लिखा हुआ है। तो मैं करना ही चाह रहा हूं कॉलम नंबर 1। लुक एट दिस, कॉलम नंबर 1 पे 1 कहां कहां पे है, गौर करिएगा। कॉलम नंबर 1 में 1 कहां कहां पर है? तो जनाब 1 है 1 पे और 3 पे। कैन यू सी दिस? कॉलम नंबर 1 पे, कॉलम एड्रेस तो है ही, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस रो नंबर लिख दीजिए, 1 पे और 3 पे 1 है। कॉलम नंबर 2 में 2 पे और 3 पे है, कॉलम नंबर 3 में सिर्फ 1 पे है। समझ आ रहा है क्या मैं कैसे फिल कर रहा हूं? मैं स्टेप बाय स्टेप कॉलम का डेटा ऑब्जर्व करके लिख रहा हूं किस किस कॉलम में कहां कहां पर 1 है, बस इतनी बात। नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जर्व करिए रो में, अब आप समझ ही सकते हैं अगला काम क्या होगा रो में। पहली रो में कहां कहां पर 1 है? तो पहली रो में जनाब 1 पे 3 पे है, दूसरी में 2 पे है, तीसरे में अगेन 1 और 2 पे है। तो हमने क्या किया, पहले रिलेशन को इस मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, उसके लिए कॉलम और रो में जो 1 की पोजिशनिंग है वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब आखिरी काम क्या करना है, हमें करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कॉलम का रो से कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या क्या आएगा मुझे बताओ, जब ऊपर से नीचे करेंगे, 1, 1, 1, 3, 3, 1, 3, 3। फॉलो कर पा रहे हैं? ऊपर से नीचे की तरफ, इधर आ जाओ, इधर क्या होगा 2, 2, 3, 2। वेरी गुड, इधर आ जाओ, इधर क्या होगा 1, 1, 1, 2। और ये जो आपने निकाला है इसी को हम बोल रहे हैं ट्रांजिटिव क्लोजर। और यहां से चोर पकड़ने की प्रोसेस स्टार्ट करो। ये देखिए, पहला चोर इधर पकड़ा गया और दूसरा चोर इधर पकड़ा गया, इजंट इट? प्रोसेस में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ये मेथड यूज करिए और आपको रिजल्ट में अच्छा। बाय चांस अगर यहां पर जितने एलिमेंट आते वो सब के सब हमारे पास होते तो फिर कोई बात नहीं, हम मान लेते कि ट्रांजिटिव है। अगर जितने पैर आते वो सबके सब हमारे पास होते तो हम मान लेते ट्रांजिटिव है, लेकिन अगर एक भी ऐसा एलिमेंट, ऐसा पैर आपको मिला जो मिसिंग है, तो अब हम श्योर हैं, आप सही बोल रहे थे। हालांकि ये दोनों चोर हमने डायरेक्ट पकड़ लिए थे, बट अभी तो हम 100% श्योर है कि हाँ भाई ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब मुझे बताइए, आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ये बात समझ आ रही है आपको? क्लियर है पॉइंट? ओके, बहुत अच्छे। एक और क्वेश्चन पे इस प्रोसेस को ट्राई करें, ट्रांजिटिव क्लोजर वाले प्रोसेस को एक और क्वेश्चन पे ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, इधर आ जाइए, लुक एट दिस। ये एक रिलेशन आपके पास है, अब जल्दी से ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ ये।
हाँ भाई, क्या लर्निंग है आपकी बताएं। अच्छा अभी नहीं, टेक योर टाइम, आई एम सॉरी, करो करो करो। हाँ भाई, ट्रांजिटिव है। चलिए एक बार क्रॉस चेक करें, क्रॉस चेक करते हैं, लेट्स गो वन बाय वन। तो सबसे पहले जो हम प्रोसेस का स्टार्ट करते हैं, वन वन मेरे पास है, उसके बाद 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, बाकी सारे के सारे वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं। सो आई कैन फिल दिस मैट्रिक्स लाइक दिस, पॉइंट नंबर वन। नाउ अगला काम जो हमने सीखा है, कॉलम में आपको बताना होता है कहाँ कहाँ पर वन है। तो मैं लिखूंगा 1 2 3 पे, मैं लिखूंगा 3 2, 2 3, 2 3 एंड 2 3। देन रो वाइज में आगे बढ़ूंगा, पहली रो में सिर्फ वन, दूसरी रो में 1 2 3 4, तीसरी रो में भी 1 2 3 4, और चौथी रो में 5। अब अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी स्पीड से आप कर पाएंगे। सो 1 1 एंड देन 2 1 एंड 3 1। अब यहाँ पे तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 2 1, 2 2, 2 3 एंड 2 4, एंड देन अगेन 3 1, 3 2, 3 3 एंड 3 4, और यही पूरा पैटर्न इधर रिपीट होगा, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4 एंड 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, और इधर करेंगे तो 5 मिलेगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में दोनों सेट के पास एलिमेंट होना चाहिए। 5 के साथ अगर कार्टेशियन करेंगे तो कार्टेशियन ही बन जाएंगे। अब आप मुझे बताएं, क्या कोई नया एलिमेंट मिला क्या आपको, या सब रिपीटिशन है? There's no new element. इस बात से अब ये बात 100% प्रूव हो जाती है कि ये जो रिलेशन था जनाब, ये भी ट्रांजिटिव था। अब बताएं, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है इस पॉइंट में? क्लियर हो रहा है बात सभी को? बहुत अच्छे, तो बहुत सिंपल आर्गुमेंट था। रो और कॉलम का करना पड़ेगा, रो और कॉलम का करेंगे तो गलत होगा। जी हाँ, पहले कॉलम फिर रो। अब मान लीजिए आपको किसी पे ग्रेनेड फेंकना है, तो पहले आपको पिन खींचना है फिर फेंकना है, इजंट इट ए प्रोसेस है। अगर आप पिन खींच के उसको जेब के अंदर रख लेंगे तो सर, आप छुट्टी दे दीजिए, छुट्टी दे दी। बताएं भाई, ये ट्रांजिटिव क्लोज वाला पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? एक सेकेंड सर, गेट का सिलेबस अनएकेडमी पर कहाँ मिलेगा? सीएस प्लीज रिप्लाई सर। मतलब सिलेबस मतलब क्या पूछ रहे हैं आप, वीडियोस पूछ रहे हैं या सिलेबस पूछ रहे हैं, रिटन सिलेबस? क्या पूछ रहे हैं? जब पूछ रही है वो बेचारी घबरा गई, लोगों ने जबरदस्त फायरिंग कर दी।
सब भाई सिलेबस पूछ रही हैं तो नेट पे ढूंढिए, और अगर सब्जेक्ट पढ़ना है तो मेरी प्रोफाइल में ढूंढिए, बात खत्म। सिलेबस ढूंढना है गूगल पे ढूंढिए, सब्जेक्ट ढूंढना है मेरी प्रोफाइल में जाइए, वहां सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे, है ना। और जैसा मैं पटना पढ़ाता था पहले, तो वहां एक पोस्टर मैं पढ़ा था, एक टीचर अपनी कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट किया हुआ था, टीचर ने लिखा हुआ था हम रगड़ के पढ़ाते हैं। रगड़ के पढ़ाने का क्या मतलब मुझे नहीं पता, बट लिखा हुआ था। अब आदर्श पूछ रहा रगड़ना मतलब, इट मीन्स लाइक ही विल क्रश यू, ही विल क्रश यू। यू नो हाउ टू मेक, चटनी फॉर इडली, नारियल चटनी, लाइक ही विल टीच यू दैट मच, यू विल बिकम अ चटनी। फिर चलिए, खैर तो मुझे बताएं ट्रांजिटिव वाली वाली बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस तो बनते हैं भाई, पहले मुश्किल कराऊं कि आसान कराऊं, पहले कुछ फंडामेंटल बात डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आपसे कराता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। जरा देखिए इसको, इसकी शक्ल देखिए, 1989 में क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए क्या जवाब देंगे इसका। एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो चप्पल से मारना चौराहे पे। हाँ मैंने देखा है कि अगर एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो मुझे जिंदा जला देना, और सोचिए चप्पल से पिट के तो फिर भी बच जाएगा। मैंने देखा पोस्टर, हमें चौराहे पे जिंदा जला देना, कॉन्फिडेंस देख लो अगले का। हे भगवान, भाई मैं ऐसे ठीक हूँ, ना मुझे जूते खाने, ना मुझे जिंदा जलना है, आई एम गुड। वो ऑडियंस अलग होती है, देखिए वो बच्चा होता है 12वीं पास की, उसे बिहार पुलिस में सिपाही बनना है, वो वाली ऑडियंस होती है। अब कोई गेट कोचिंग वाले ऐसा थोड़ी लिखेंगे। ट्रांजिटिव क्लोजर फॉर द रिलेशन इज, फिल इन द ब्लैंक है, क्या आप कैलकुलेट कर पा रहे बताएं, कौन कौन सा एलिमेंट इंक्लूड करना पड़ेगा। 1 2 है, 3 2 है, 1 3 आई थिंक चाहिए, 1 से 2, 2 से 3, आई नीड 1 3। उसके बाद विकास कह रहे हैं 4 3, 4 3 क्यों चाहिए भाई, 4 3 क्यों चाहिए, 2 4 चाहिए, 2 4 चाहिए, ये मान सकता हूँ, 2 से गए 3, 3 से गए 4, 2 4। ओके और बताओ, और कोई पेयर चाहिए, अभी 1 4 भी चाहिए, 1 4 चाहिए, क्योंकि 1 से 2 या 2 से 4 है तो एक नया और जनरेट हो जाएगा 1 4। आई थिंक दैट विल बी ऑल, इसके अलावा हो सकता है और कोई आपको लग रहा हो, मैं इसको सीक्वेंस में लिख दूं। नाउ आई हैव 1 2, आई हैव 1 3, आई हैव 2 3, आई हैव 2 4, सॉरी आई ऑल्सो हैव 1 4, एंड देन आई हैव 3 4, एंड आई हैव 5 4। 1 4 कैसे, 1 से 2, 2 से 4, सो 1 से 4, 1 से 2, 1 से 2, 2 से 4, सो 1 4। टू से फोर वहां पे है नहीं, बट हमने बनाया है। मैं आर्ग्यूमेंट लिख देता हूं, मैंने जो जो एलिमेंट ऐड किए हैं क्यों किए हैं। मैंने ऐड किया 1 से 3, उसका रीजन था कि 1 से 2 है और 2 से 3 है तो मुझे 1 3 ऐड करना पड़ा। मैंने 1 4 भी ऐड किया है बिकॉज 1 से 2 था, और हमने जो ऐड किया था 2 से 4 था, उस वजह से 1 4 बना। 2 3 देयर, 2 4 हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि 2 4 ऐड किया, क्योंकि 1 से 2 4 क्यों ऐड किया हमने, 2 4, 2 4, 2 4, ओ सर सॉरी, 2 से 3 एंड 3 से 4, 2 4, 3 4 देर, 5 4 देर। अब जो मैंने 3 एलिमेंट ऐड किए हैं उन सब के मैंने प्रूफ लिख दिए,
बाकी तो फिर पूरा प्रोसेस है 5x5 का, आपको पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। देखिए ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या, अगर इसे प्रूफ कर लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, बट मैं उस जर्नी में आपके साथ नहीं हूं। मैं 25 सेल का कॉलम बनाने का उत्सुक बिल्कुल भी नहीं हूं। क्लियर है? तो इस तरह के डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले क्यों नहीं पूछा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। और अभी तक जितने क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, लगभग लगभग हर किसी क्वेश्चन का या आइडिया का कोई ना कोई आइडिया इसके अंदर है। सर लास्ट क्वेश्चन में 1-4 भी नहीं, 1-4 रखा था भाई हमने। सर आपके ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या होगा? चींची, CHI CHI। पता है आधे लोगों को पहले से। ओके okay. अलग अलग ऑब्जर्वेशन अभी भी हैं, हालांकि ये सिंपल है। रिफ्लेक्सिव की बात करूं, 1-1 आई हैव, 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, बट 4-4 नहीं है। कैन यू ऑब्जर्व इट? 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 4-4 मिसिंग है, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब ये कौन है यार? रिफ्लेक्सिव तो ढूंढ निकालते, वो तो आसान है, वो तो पढ़ा है सब लोगों ने, उसमें तो कुछ है ही नहीं। कौन नहीं है लोग जिन्होंने अभी भी ऑप्शन नहीं आंसर कर दिया, कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव है। अच्छा क्या ये इररिफ्लेक्सिव है, मुझे बताएं। इररिफ्लेक्सिव नहीं, क्योंकि इररिफ्लेक्सिव कहता है, हमने पढ़ा है जानी दुश्मन है, कल ही पढ़ा है। इररिफ्लेक्सिव कहता है एक भी रिफ्लेक्सिव पैर नहीं चाहिए, तो नहीं जनाब ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। बात खत्म, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या करना है मुझे बताओ, आगे पढ़ने की जरूरत है क्या? ट्रांजिटिव हैवी के नहीं, चेक करूं कि ना करूं? सिंपल आर्गुमेंट तो है, तो फिर कौन है ये 9+8+17, 34% लोग कौन है ये? वेरी वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन। मुझे बताएं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? इतने साधारण क्वेश्चन में जहां सिंपल आइडेंटिफिकेशन करना है उसमें गड़बड़ ना करो। ये सबूत है, सही बात है इस बात का कि कलयुग है, इजंट इट? कलयुग है तभी तो ऐसा हो रहा है। चलिए एक और ऑब्जर्वेशन करेंगे। एक बड़ा चहिदा सेट है आप लोगों का, जिसपे अंकल सही बोले थे, वो भजन वाले गाने वाले अंकल, अच्छा कलयुग से सती हुए जाने वाले अंकल, बेचारे अंकल खुद निकल गए इस चक्कर में। चलिए ये देखिए, अब बाइनरी रिलेशन वी हैव s इज इक्वल टू 5, ये बस सेट ए 1 2 3, पूछ रहा है क्या क्या होगा।
मुझे लग रहा था कि इस क्वेश्चन में 100% वोटिंग ना हो जाए, लेकिन मैं भी कभी कभी आप लोगों की प्रतिभा को हल्के में ले लेता हूं। चलिए जरा फाई हमने बहुत तसल्ली से ऑब्जर्व किया और मुझे बताया हर एक पॉसिबल रिलेशन में मैंने फाई को आपसे अलग से डिस्कशन कराया है, तो लेट मी गो वन बाय वन। क्या फाई रिफ्लेक्सिव है? कैसी बात कर रहे हैं, फाई कभी रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। तो जो भी कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों कह रहा है, क्योंकि हमने बड़े तसल्ली से इस बात को समझा है। रिफ्लेक्सिव वही होता है जिसके पास सारे पॉसिबल डायगोनल एलिमेंट हो, तो 1 1 2 2 3 3 होना जरूरी है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन बी तो यही बाहर हो जाते हैं। 9 + 3 = 12%। नाउ क्या फाई, ये कह रहा है नाइदर सिमेट्रिक नॉर नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, क्या फाई सिमेट्रिक नहीं है? ये गलत है, फाई सिमेट्रिक है, फाई सिमेट्रिक है। तो अल्टीमेटली सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन एक ही कॉम्बिनेशन बचता है, विच इज ऑप्शन डी, जो कहता है ट्रांजिटिव एज वेल एज सिमेट्रिक। लुक एट दिस, ट्रांजिटिव एज वेल एज सिमेट्रिक, यानी कि फाई ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। एक बार देखिए पूरा पॉइंट ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या। यस, तो सिंपल क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन वाले, जिसमें अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। एक अच्छा क्वेश्चन तो करना बनता है, कौन सा करें कौन सा करें, ये कर लेते हैं। गेट 2015 वाज अ 1 mark क्वेश्चन। जिन लोगों ने पहले से थोड़ा सा होमवर्क किया, ट्राई किया, बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं किया वो जरा एक बार इस पूरे आइडिया को ऑब्जर्व करें और मुझे बताएं किस तरह से यहाँ पर कहानी आगे बढ़ेगी, कैसे आप किस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। वेरी गुड, यस यस। मैं उस बात में ग्रुड इसलिए डेप्थ में नहीं गया बिकॉज हमें उस रास्ते जाना नहीं है, लेकिन हाँ उसको आपको कई बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कई ट्रेड करना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल टू कंसेक्यूटिव इटरेशंस रिमेन द सेम, देन यू नो दैट यस अभी वो हो गया है। होगा ना, जब भी कोई नया एलिमेंट ऐड करोगे उससे फिर दोबारा कोई नया पेयर जनरेट होने के चांस होते हैं। चलिए जरा इसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ। क्या बोले, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इफ ए, अच्छा अगेन यू नो दिस इज ए रिलेटेड टू बी, कह रहा है सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का, यानी कि जेड प्लस, यानी कि 1 2 3 4 अप टिल इंफिनिटी, दैट इज ओके। और कह रहा है ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट, यानी कि पहला तो क्या कभी ए और बी आपस में सेम हो सकते हैं? नहीं, बड़ा क्लियर कट बोल रहा है।
और कह रहा है मस्ट हैव अ कॉमन डिविजर अदर देन वन, वन के अलावा कम से कम एक कॉमन डिविजर होना चाहिए, क्लियर कट इसने बोला। अब जब मैं बोल रहा है कि ए और बी कभी इक्वल नहीं हो सकता, तो मेरी समस्या परे है हाउ इट कैन बी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की तो लड़ाई से मैं बाहर ही हो गया ना, मुझे बताए कैन आई से स्टिल वन वन टू टू एंड देन थ्री थ्री एंड देन फोर फोर, ऐसा कोई कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर हो सकता? नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी रिफ्लेक्सिव। सोचिए 16 प्लस 7 23% ऑफ यू, यस। अब अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है, बात है सिमेट्री की और ट्रांजिटिव की, चलिए उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करता हूं। पहले आप मुझे बताएं एक बात तो पक्का है, लेट मी चूज सम नंबर जहां अदर हो, फॉर एग्जांपल 4 और 6, देयर आर टू नंबर्स, क्या कोई ऐसा नंबर है 1 के अलावा जिनको डिवाइड कर सकता हो? यस, 2 इज देयर, यस। तो 4, 6 रिलेशन में होगा। अब ऑब्वियसली पहले और बाद में लिखने से कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर 4, 6 होगा तो 6, 4 भी होगा, उसमें क्या अलग बात है? एलसीएम एचसीएफ टाइप को आइडिया है, वो आपने किया पहले कैलकुलेट, तो आप भला ऐसा क्यों बोलोगे कि ये सिमेट्री नहीं होगा? ऑब्वियसली डी इज द करेक्ट आंसर। अगेन आप देखोगे ना, ट्रांजिटिव तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को, यस yes, आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पा रहे हो। अब यहीं पे आप देख सकते हो, अगर 4, 6 और 6, 4 है तो ट्रांजिटिव क्या बोलेगा? 4, 4 भी चाहिए और 6, 6 भी चाहिए। अब टेक्निकली यहां पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आई कैन नॉट हैव द नंबर सेम, 4 = 4, 6 = 6, बोल रहा है कि डिस्टिंग चाहिए। तो आप दोबारा भी समझेंगे तो भी आपको यही समझ आएगा कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो 53% ऑफ यू गॉट इट करेक्ट, आंसर इज डी, दैट इज ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव नहीं है। मुझे बताएं जरा पूरा आइडिया, पूरा लॉजिक फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस yes, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो बहुत सिंपल आइडिया है, वन बाय वन वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो बात समझ आ जाएगी। एबीसी लेके नहीं करना चाहिए, पहली बात तो न्यूमेरिक वैल्यू दिया है ना, सो एबीसी लेके हर्ष कैसे करोगे? नंबर्स आर देयर, बोल रहे हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपको केस भी न्यूमेरिक ही लेना है, फिर वहां डिविजन कैसे चेक करोगे? मुझे बताएं जो बेसिक फैमिलीज हैं, रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, असिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, क्या यहां तक का लॉजिक आप फॉलो कर पा रहे हैं? डिस्टिंक्ट पर ध्यान नहीं दिया। अब देखो ध्यान तो देना है, उसने क्लियर कट लिखा हुआ है, यस yes, तो कल सुबह की आपकी ऑफ है, बहुत समय से आपकी बैक टू बैक क्लासेस चल रही थी, तो कल आपका चिल है, बस एक ही क्लास है इवनिंग में 8 to 10, तो उसका मजा लीजिए और फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। इस समय का इस्तेमाल करिएगा, दिन में बैठ के पढ़ाई करिए आराम से, चलिए तो ज्यादा परेशान नहीं करता। मैं बात करूंगा अभी ट्रांजिटिव की, एनालिसिस मैंने नहीं कराई शुभम, मैं बात करूंगा लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सब केस, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस एंड ऑल। ओके बाय।